तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। मिति का मतलब हमेशा याद रखो मापना होता है। मेट्री इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेजरमेंट से, ठीक है। ट्राइगोन जो होता है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है त्रिकोण, यानी कि हिंदी में या इंग्लिश में ट्राइंगल बोलते हैं, हिंदी में हम लोग त्रिकोण बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा पॉलीगन जिसमें तीन साइड्स होती हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल है, आप सभी लोग जानते हो, मैड एंगल्स ट्राइंगल्स सबने खाए हैं। तो ट्राइंगल्स का क्या कुछ आप मेजर कर सकते हो? एक तो ये चीज आती है ट्रिग्नोमेट्री में, हम लोग उन्हीं को मेजर करना सीखते हैं। लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बहुत स्पेसिफिक है। बहुत स्पेसिफिक है का क्या मतलब है? वो वर्क करती है मैक्सिमम आपके राइट एंगल ट्राइंगल्स में। ये चीज आपने पढ़ी होगी और इस पे एक डाउट भी आता है कि ऐसा क्यों होता है, राइट एंगल ट्राइंगल पे ही ऐसा क्यों वर्क करता है, अदर ट्राइंगल्स में क्यों वर्क नहीं करता है। तो पहली चीज ये कि अदर ट्राइंगल्स में भी वर्क करता है, बस वर्क करने का तरीका अलग हो जाता है। ये चीज पहले समझनी है। दूसरी चीज, क्यों ऐसा होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ट्राइंगल में स्पेसिफिकली राइट एंगल ट्राइंगल्स में क्यों वर्क करती है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये देख लो कि इसका जो यूजेस है वो कहाँ कहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हैं। रियल लाइफ में बहुत सारी जगहों पर इसका यूज होता है। जैसे कि आपको अगर बुर्ज खलीफा की हाइट नापनी हो तो उसके लिए आपको उस पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, एक उसकी डिस्टेंस, उससे कुछ डिस्टेंस पर खड़े होकर के ये एंगल अगर आप मेजर कर लो, ठीक है, एंगल अगर मेजर कर लो और ये डिस्टेंस मेजर कर लो, तो इससे आप डायरेक्टली उसकी हाइट निकाल सकते हो। तो ये एक बहुत रियल लाइफ एग्जाम्पल है, आप किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हो रियल लाइफ में, ठीक है। और इसी एग्जाम्पल का यूज करते हुए आपको पता है माउंट एवरेस्ट का नाम एवरेस्ट क्यों पड़ा था? उसके पीछे का रीजन ये था क्योंकि जॉर्ज एवरेस्ट नाम के एक व्यक्ति ने, जॉर्ज एवरेस्ट ये नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने इस माउंट एवरेस्ट की जो हाइट थी वो निकाली थी। और कैसे निकाली थी? ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए। जो इनकी हाईएस्ट पीक थी इसकी उन्होंने क्या किया था, इसको उन्होंने ये नापा था कि इस तरह से कुछ एंगल फॉर्म किया कि कितने एंगल पे होगा, और जो भी यहां पर नॉर्मल लेवल था उससे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने नापा, और वो लेवल कितना ऊपर था समुद्र तल से ये उन्हें कुछ अंदाजा लगाया होगा, और नेट जो हाइट उन्होंने निकाली थी वो कितनी थी, 8840, ठीक है। तो ये जॉर्ज एवरेस्ट ने ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए ही निकाला था, ठीक है। इस वजह से इसको माउंट एवरेस्ट इसीलिए बोला गया क्योंकि ये माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट तो मतलब कोई भी पर्वत होता है, एवरेस्ट जो होता है वो नाम होता है। जैसे माउंट आबू है, कई आपने पढ़े होंगे माउंट नाम है, तो माउंट के आगे जो नाम होता है वो किसी रीजन से रखा जाता है, किसी फेमस पर्सन के नाम पे रखा जाता है। तो एवरेस्ट जो रखा गया था वो जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रखा गया था क्योंकि इन्होंने उसकी हाइट को ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए निकाला था। इसके और रियल लाइफ एग्जांपल्स आप ऐसे देख सकते हो कि जो सन की डिस्टेंस है, किससे, आपके अर्थ से या मून से, ये भी मेजर किया जाता है। कैसे मेजर किया जाता है? ट्राइंगल के फॉर्म करके, ठीक है। इस तरह से ट्राइंगल ही फॉर्म किया जाता है। इनमें से कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल जब फॉर्म करता है तो उस केस में आपको, जैसे ये डिस्टेंस तो पता है मून और अर्थ के बीच में, फिर एक एंगल पता चल जाए तो आपको पता है बाकी चीजें आप आसानी से निकाल सकते हो। तो इस तरह से कुछ फॉर्म करके ही आपका, आप इसको सर्च करना कि किस तरह से निकाला जाता है, तो आपको पता चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज होता है वहां पर भी, क्योंकि इसके नियर तक तो कोई जा नहीं सकता, वरना तो वो जल करके भस्म हो जाएगा। तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है ट्रिग्नोमेट्री का, इस तरह से यूजेस किया जाता है, ठीक है। और भी यूज अगर आप देखोगे तो जो पिरामिड्स होते थे, ठीक है, मिस्र में जो पिरामिड्स होते थे उनको भी इसी के ही कॉन्सेप्ट पे बनाया जाता था। उनकी हाइट वगैरह किस तरह से वो लोग मेजर करते थे, उसमें भी काफी यूज था ट्रिग्नोमेट्री का। तो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छे से आपको इसको पढ़ना है। असल में जो एडवांस मैथ्स है वो यहां से स्टार्ट हो गया आपकी, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने जैसा कि बोला कि राइट एंगल ट्राइंगल्स में वर्क करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स ही रखते हैं, तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों करते हैं भाई? राइट एंगल ट्राइंगल से ऐसा क्या प्यार है कि बाकी किसी ट्राइंगल को यहां पर नहीं रखते? तो उसका रीजन बहुत सिंपल सा है और वो अब आपको देखो समझ में भी आ जाएगा कि जैसे यहां पर अगर मैं तीन एंगल्स ले लूं, ठीक है, तीन एंगल्स हैं और इनमें से राइट एंगल ट्राइंगल फिक्स नहीं कर रहे, ठीक है। तो आपने कहा एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा, एक होगा गामा, ठीक है। इनका सम एक, क्योंकि ट्राइंगल के एंगल्स हैं तो सम इनका क्या होगा, फिक्स होगा। तो आपने कहा ये कितना रहता है, 180 रहता है, ठीक है। अब देखो ये क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री काफी पहले समय से आई थी, काफी पहले से यूज हो रही है, तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पे वर्क करती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में हम लोग वर्क करते थे,
तो आपने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन कर रखे थे, जैसे कि साइन है या कॉस है या टैन है, ठीक है। और ये डिफाइंड थे, किस तरह से डिफाइंड थे कि अगर आप इस एंगल के अकॉर्डिंग देखोगे, थीटा अगर ये वाला एंगल है तो ये जो परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। इसको लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। तो ये जो साइन का एंगल थीटा पे वैल्यू था, ये क्या था, एकदम फिक्स रहता था, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। इसी तरह से जो कॉस की वैल्यू थी, ये क्या थी, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ठीक है। इसी तरह से जो टैन की वैल्यू थी, ये क्या थी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये बेसिक वैल्यूज थी। अब देखो, अगर आप ये इनमें से किसी एक को 90 अगर फिक्स नहीं करते हो तो देखो क्या चेंजेस आएंगे। अगर आपने किसी एक को 90 नहीं फिक्स किया तो उस केस में क्या होगा, हो सकता है कोई एक 90 से बड़ा नंबर भी आ सकता है कि नहीं आ सकता, हो सकता है कोई एक नंबर 90 से बड़ा आ जाए। अगर कोई एक नंबर 90 से बड़ा हो जाएगा उस केस में क्या होगा, अगर आपने कोई एक एंगल क्या किया 90 से बड़ा ले लिया, तो आप देखोगे कि जैसे 90 से बड़ा एंगल लेंगे तो उस केस में क्या होता है, साइन तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन कॉस और टेन कैसे हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। और निगेटिव होने के केस में आप इनको डिफाइन नहीं कर पाओगे, या फिर ये वैल्यू कैसी हो जाएंगी, निगेटिव हो जाएंगी, जो कि साइड्स हैं, साइड का रेशियो है, ये निगेटिव हो जाएगा। तो रियल लाइफ में ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। इस वजह से ये जब डिफाइन किए गए तो इस तरह से डिफाइन किए गए, जब एक एंगल फिक्स हो 90, अगर एक एंगल को मैं फिक्स कर दूं, अगर एक एंगल 90 पे फिक्स हो गया तो अब इन दोनों में से आप किसी को भी 90 या उससे बड़ा नहीं रख सकते हो। उसका रीजन क्या है कि इन दोनों का सम कितना होगा, 90। किसी एक को जीरो भी नहीं रख सकते हो, अगर जीरो रख पाते तो 90 रख पाते, तो आप जीरो नहीं रख पाओगे। इस वजह से क्या होगा कि बीटा और गामा को आप कैसा रखते हो, 90 से छोटा ही रखना पड़ेगा ताकि उनका सम 90 रहे। तो ये एक बेसिक रीजन था। दूसरा रीजन ये भी था कि पहले के टाइम पर जैसे कोई भी चीज है, पेड़ वगैरह है, तो उसको आप देखोगे तो वो कैसा, परपेंडिकुलर ही, ऐसे स्ट्रेट ही रहता था। तो इस वजह से भी एक एंगल फिक्स किया गया। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज डिफाइन किए गए इसी तरह से डिफाइंड है, जब एक एंगल आपका कैसा होता है, 90 डिग्री। तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप इसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स में यूज नहीं कर सकते। देखो, अगर आपका जो ट्रायंगल है वो कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है, जैसे इस तरह से अगर मैं फॉर्म करूं, तो इवन इसमें भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का तरीका बहुत सिंपल सा होगा कि आप एक दो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल्स फॉर्म कर लोगे, इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दोगे, तो इस तरह से क्या होगा, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स आपके फॉर्म हो जाएंगे। और इसमें हम लोग वापस से ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से ये वर्क करता है। और इवन एक्यूट एंगल्स में भी, अगर आपने कहा कि तीनों के तीनों 60-60-60 हो जाए, या फिर तीनों ही 90 से छोटे हो जाए, उस केस में, तो उस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 90 डिग्री के फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा। तो दो आपके ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल्स फॉर्म हो जाएंगे, फिर से आप इसको अप्लाई कर सकते हो, फिर से आप ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो। लेकिन ये जो आपके रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिनको बोलते हैं, ये साइन कॉस टैन, ये डिफाइंड है आपके जब एक एंगल आपका 90 डिग्री होगा उसी केस में, ठीक है। तो ये आपको इनको ध्यान रखना है, ये एंगल्स की वैल्यू कैसी है, एकदम फिक्स है, ओके। अब इसके बाद बात आती है कि हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइगोन यानी कि ट्राइंगल के मेजरमेंट्स की बात करें तो क्या क्या मेजर कर सकते हैं, साइड्स का मेजर कर सकते हैं, एंगल का मेजर करते हैं। तो साइड्स को मेजर करने के लिए आपको पता है सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, जैसे आप चाहो मेजर करो। लेकिन एंगल को मेजर करने के लिए दो ही आपके पास यूनिट्स हैं। कौन कौन से यूनिट्स हैं, एक है आपकी डिग्री, एक कौन सी आपके पास डिग्री है, दूसरे आपके पास क्या है, रेडियन है। इनको डिनोट करने का तरीका भी देख लो कि डिग्री को कैसे डिनोट करते हैं, 20 डिग्री, तो ये एक छोटा सा जीरो ऐसा रहता है। और रेडियन को डिफाइन करने के लिए आपको ऊपर में ऐसे सी का फॉर्म बनता है, ठीक है। तो ये सी का फॉर्म होगा, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इसके बाद बात ये आती है कि रेडियन क्या है या डिग्री क्या है। तो आप जो डिग्री है उसको अगर स्केल लेकर के मेजर करना चाहोगे तो मेजर नहीं कर सकते, वो डिग्री डायरेक्टली टर्म है, डायरेक्ट टर्म है। लेकिन जो रेडियन है वो इसका ऐसा टर्म है जिसको आप स्केल से भी मेजर कर सकते हो। कैसे स्केल से मेजर कर सकते हो, जैसे आपके पास थोड़ा सा धागा हो, आप धागे को क्या रखो कि इस तरह से ऐसे ऐसे इसके ऊपर इसी फॉर्म में ऐसे रख दो, ठीक है, इसी के ऊपर। एंड देन आप जब ये हो जाए कि हाँ इतना हो गया, तो आप इसको कट कर लो, और फिर उस धागे की जो लेंथ होगी ना वही रेडियन मेजर है, ठीक है। तो रेडियन मेजर को आप डायरेक्टली इस तरह से मेजर कर सकते हो, जबकि एंगल को इस तरह से मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक जो आप स्टार्ट हुआ था वो रेडियन में ही मेजर हुआ था, उसको बाद में कन्वर्ट किया गया। किस तरह से कन्वर्ट किया गया वो सारी चीजें अभी आपको सीखनी। देखो, तो पहले जो एंगल मेजर किया गया वो रेडियन के फॉर्म में मेजर किया गया था। और रेडियन जो मेजर है, एक यूनिट रेडियन कैसे होता है,
जो रेडियस है, जिस रेडियस का आपने सर्कल ड्रॉ किया उसी रेडियस का आपको क्या करना है, एक चाप कट करना है, और ये जो चाप की लेंथ होगी यही उसका वन रेडियन होगा, ठीक है। तो यही वन रेडियन की लेंथ हो जाएगी, या ये जो एंगल बनाएगा यही आपका वन रेडियन का फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये आपका जो एंगल होता है इसको आप कैसे करते हो, यहां पर एक फॉर्मूला भी है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दे लो। एंगल क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। एंगल जो रहेगा वो क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क की लेंथ कितनी है, ये भी आर है, रेडियस भी आर है, तो यहां पर ये जो एंगल फॉर्म होता है ये कितना है, वन रेडियन के बराबर, ठीक है, ये वन रेडियन के बराबर आ जाएगा। अब ये जो एंगल आता है इस वाले फॉर्मूले से वो हमेशा किस में आता है, रेडियन में आता है, ये बात भी ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली आर्क और रेडियस दे देता है, आपसे एंगल पूछता है, लेकिन ऑप्शंस जो होंगे वो थीटा के फॉर्म में होते हैं, तो उसको कन्वर्ट करने का भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो ये वाली अगर वैल्यू आपने इसको देख लिया, ठीक है, इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं वो देख लो, कि आपने ऐसे बोला कि जैसे ये जो पूरी पेरीमीटर होती है वो कितनी होती है, तो आपको ये पता है 2πr के बराबर होती है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी अगर मैं पेरीमीटर देखूं तो 2πr के बराबर होती है, ठीक है। तो ये जो एंगल होता है ये टोटल कितना होगा, तो आपने कहा अगर आर्क कितनी होगी, आप यहां से देख लो आर्क कितनी है, आपने कहा आर्क पूरी की पूरी होगी, मैंने अगर पूरी ले ली तो ये कितनी है 2πr, और रेडियस कितनी है आर के बराबर है, तो इसको आर से ऐसे डिवाइड कर दोगे, तो ये जो एंगल आपका फॉर्म हुआ ये कितना है 2π के बराबर। और आपको पता है कि ये जो कंप्लीट सर्कल होता है ये कितना 360 डिग्री के भी बराबर होता है, तो यहां से आपको एंगल का दोनों का जो रिलेशन है वो निकल के आपके आ जाएगा कि 360 डिग्री ही 2π रेडियन के बराबर रहता है, या फिर यहां से आप पाई की वैल्यू भी बता सकते हो कि पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर होती है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको कि अभी आगे हम लोग यूज करेंगे। तो ये रेडियन का मेजर है, ठीक है, कि वन रेडियन अगर आपसे कोई पूछे तो वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन में पाई के बराबर, और पाई की वैल्यू क्या है, वही बेसिक 22/7, ठीक है। यहाँ पे कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि पाई का मतलब 180 होता है, तो ये नहीं भाई, ये नहीं ध्यान रखना, ये पाई अगर रेडियन है तो उसको जब डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू है, लेकिन अगर कभी आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि पाई का वैल्यू कितना है तो 180 नहीं बोलना, ठीक है, ये आपकी क्या है 22/7 रखो या 3.14, ठीक है, ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आपसे कभी भी इस तरह से पूछता है तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि वन रेडियन जो होगा वो 180/π डिग्री के बराबर होता है, ठीक है, ओके। तो ये आपका हो जाएगा, बेसिक चीजें हैं। अच्छा, कन्वर्जन ही अगर आपसे पूछ लिया गया वन डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, तो आपने कहा इसका जो सबसे बेसिक मुझे पता है वो 180 डिग्री कितना होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। तो एक डिग्री की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो ये कितनी आ जाएगी, पाई अपॉन में 180, ये आपका रेडियन में आ जाएगा, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप इसको कर सकते हो, 22/7 आ जाएगा 7, और इस तरह से गुणा के फॉर्म में लिख देना, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जितना भी आप सॉल्व करना चाहो कर सकते हो। तो अगर कभी भी एक डिग्री है रेडियन के फॉर्म में पूछेगा तो यही इतना आंसर हो जाएगा। जो इसका अपोजिट क्वेश्चन बनता है एक रेडियन को डिग्री में, इसको थोड़ा सा ज्यादा सिंप्लीफाई करना होता है, क्योंकि डिग्री को हम लोग फर्दर ब्रेक करते हैं मिनट्स और सेकंड्स में। तो अगर आपके पास एक रेडियन है, तो एक रेडियन है तो आपने कहा पाई रेडियन मुझे पता है कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो वन रेडियन अगर आपसे पूछा जाए तो वन रेडियन कितना हो जाएगा, 180 अपॉन में पाई के बराबर, इतना हो जाएगा। और ये वैल्यू अगर आपसे पूछी जाएगी तो ये कितनी आ जाएगी, आप इसको अब थोड़ा बहुत सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, ये हो जाएगा 22, और यहां पर कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कट भी जाएगा, यहां पे आएगा 11, यहां पर 2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 90, तो 9 × 7 = 63, तो 630 हो गया अपॉन में 11। अब देखो यहां पर क्या करना है आपको, पूरा का पूरा जैसे इसको डिवाइड कर दोगे तो पूरा देखो कितनी बार जाएगा, 11 × 5 = 55, तो कितना बचेगा, 80 बचेगा, 11 × 7 = 77। तो ये जो पूरा चला गया इतना डिग्री हो गया, ठीक है, तो आपने कहा 77 गया तो बचा कितना है, 3 बचा है, तो 3 जो बचा है अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप 60 से गुणा करोगे, तो ये कितना आ जाएगा, 180, ठीक है। ये क्या हो गया, आपके मिनट हो गए, तो इसमें फिर से 11 से डिवाइड कर दोगे तो देखो कितनी बार जाएगा, 11 × 11, और यहां पर बचेगा कितना, 70, तो ये हो जाएगा 11 × 66, ठीक है। तो ये आपका इतने मिनट्स आ जाएगा, और अब कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो फिर से 40 हो जाएगा, 11 से कटेगा, तो 3 और कितनी बार जाएगा, 33, 7 बचेगा, 70 हो जाएगा, 36, ये आपका सेकंड। इस तरह से फर्दर अगर आपको डिवीजन करना है तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपसे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप फर्दर डिवीजन करते चले जाओगे, जितनी भी वैल्यू बचेगी
क्योंकि एक डिग्री में कितना होता है, आपको ये ध्यान रखना है, एक डिग्री में होते हैं 60 मिनट और एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड। ठीक है, तो ये कन्वर्जन है आपका जो कि इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है इस तरह से। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भाई, किसी को कोई समस्या परेशानी नहीं है, यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि डिस्कस करने थे, तो ये मैं आपके साथ कर रहा हूं। बाकी इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको एक एक करके और भी बता दूंगा। अभी बेसिक बेसिक है, हम लोग एकदम बेसिक जब पहली क्लास करेंगे तो धीरे धीरे चीजें बढ़ेंगी, आगे जैसे जैसे जाओगे तो और भी कॉन्सेप्ट्स इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा प्रॉपर इसका ब्रेकअप कर दूंगा, जिस तरह से कि आप आसानी से इसको समझ सको। ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गया सभी को, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। बेसिक से आपने डिवाइड कर दिया, एक रेडियन की वैल्यू 180 अपॉन पाई आ गई। ठीक है, तो 180 है तो कुछ कुछ कट गया, दो से कट गया, ये हो गया 630/11। आप चाहो तो यहीं पे ही आंसर आपका रुक सकता है। ठीक है, हो सकता है यही आंसर दिया हो ऑप्शन में, तो यही आंसर हो जाएगा। अगर यहां पर नहीं दिया है, फर्दर ब्रेक किया गया, तो इस तरह से आप इसको ब्रेक करते चले जाओगे। ठीक है, तो आपने 11 से पूरा पूरा डिवाइड किया तो 57 पूरा पूरा डिवाइड किया, 4 बच गया तो 3 बच गया, 3 से आपने क्या किया, इस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर लिया। कैसे, 60 से गुणा करके, क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। इसी तरह से फर्दर आप ब्रेक करते जाओगे। अब यही चीज रिवर्स ऑर्डर में भी आपसे पूछ सकता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करो, देखो भाई आंसर निकाल पाते हो क्या, कि रेडियन मेजर अगर पूछा जाए और आपको डिग्री में इस तरह से पूरा ब्रेकअप करके दिया गया हो, ठीक है, इस तरह से ओपन अगर दिया गया तो कैसे करोगे। सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, आपको यह ध्यान रखना है कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो आपने कहा यहां पर 30 सेकंड है, तो 30 सेकंड का मतलब क्या हो गया, आधा मिनट। ठीक है, 30 सेकंड का मतलब क्या हो गया, आधा मिनट हो गया। ठीक है, तो ये आपने कहा कि 30 सेकंड का मतलब आधा मिनट हो गया, 57/16 और कितना आएगा, 57 हो गया, 11 से डिवाइड किया तो कितना बचा था, 11 एकम 11, 70, 3 बचा था, 60 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो 180 आ गया, फिर आपने 16 तक कर दिया तो कितनी बार गया, 11 कम 11 बचेगा 7, 70 तो ये 6 बार गया, 66, 4 बचा, 4 को गुणा करोगे किससे, 60 से, तो ये हो जाएगा 6 को 24, 240। हाँ बिल्कुल, तो 11 से फिर से डिवाइड कर दोगे तो कितनी बार जाएगा, 11 दूनी 22, 2 और कितना हो जाएगा, 20 बचेगा तो 21, इतने के अराउंड समथिंग आएगा, 57, 16, 21 लगभग, और अगर अप्रॉक्स ले लोगे तो ये 22। हाँ बिल्कुल, इतना ही आएगा, 57, 16 और 22 के अप्रॉक्स आंसर आएगा, बिल्कुल। ठीक है, अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें कैसे करोगे, तो आपने कहा 30 जो सेकंड्स हैं वो आधे मिनट के बराबर हो जाएगा। अब ये मिनट हो गया, ये 37 है, आधा मिनट इसमें जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 37.5 मिनट। 37.5 मिनट को अब आप क्या डिग्री में कन्वर्ट करोगे फिर से, तो आपको पता है कि 60 मिनट होते हैं कितने, एक डिग्री में। तो आपने कहा इस मिनट को आप फिर से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, इसमें 60 से डिवाइड कर दोगे, तो इसको 60 से डिवाइड करोगे। अब 37.5 जो है वो क्या होता है, 75/2, तो आपने कहा 75/2 है और यहां पर 60 है, 15 से डिवाइड करोगे, 15 × 75, 15 × 60, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/8 के बराबर। अब ये क्या आ गया, ये डिग्री में आ गया। ठीक है, ये आपका डिग्री में आ गया और पहले डिग्री कितनी है, 5 है, तो आप इसको ओवरऑल लिख लो, ये कितना आ जाएगा, 8 × 5 = 40 और 5 = 45/8। तो आप इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आपने कहा कि यहां पर तो डिग्री तक ले आए और आपको पता है क्या होता है, पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री होता है, तो एक डिग्री की वैल्यू अगर रेडियन में निकालनी है तो कितनी होती है, पाई अपॉन में 180 के बराबर। ये आपका एक डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन है, तो आपने कहा इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियन में आ जाएगी वैल्यू। तो अब देखो कैसे कटेगा, 45 का गुणा इसमें करोगे तो ये आ जाएगा 4 और यहां पर कितना आ जाएगा, 22/7 है, या फिर ये अगर काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, 16 × ये आपका आंसर आ जाएगा, 16 × 7 के बराबर। ठीक है, तो इतना आपका रेडियन आ जाएगा, बाकी आप इसको अगर मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो बिल्कुल आंसर निकाल लोगे, कोई डाउट नहीं है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रेडियन मेजर आ जाएगा और इसी तरह से ही आपके ऑप्शन में भी कुछ दिया होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब दशमलव वगैरह में भी निकाल सकते हैं, बट उतने की नीड नहीं है, इसी के आसपास ही ऑप्शन आपके होगा। ठीक है,
तो ये एक क्वेश्चन को पूछने का तरीका है। हालांकि अब ये क्वेश्चन आज के डेट में अगर आप देखोगे प्रीवियस 2-3 सालों में तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन सीडीएस में एक बार पूछा गया था जब आपको रेडियन को पूरा पूरा कन्वर्ट करना था डिग्री में और इस तरह से 3 लेयर्स तक ऑप्शन में था। हाँ, 11/112 आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा अगर और भी अगर सिंप्लीफाई करना हो तो 1/10 के आसपास लगभग वैल्यू है। तो दशमलव में भी अगर आंसर पूछे तो भी आप बता सकते हो, बाकी इससे ज्यादा इसमें पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं इसमें डिग्री को अगर कन्वर्ट करने के लिए पूछे जाए तो। अच्छा, इसके बाद देखो बेसिक जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाला। तो एंगल इक्वल टू आपको क्या बताया था, आर्क अपॉन में रेडियस। इसमें देखो कुछ चीजें अगर फिक्स कर दी जाए, जैसे कि बोला 2 सर्कल्स हैं सेम लेंथ सबटेंड करते हैं और एंगल क्या क्या है, एक 60 डिग्री फॉर्म करता है, दूसरा 75 डिग्री। तो आपको रेडियस का रेशियो बताना है, ठीक है। तो आपने कहा एक कितना 60 डिग्री फॉर्म करता है, दूसरा कितना फॉर्म करता है 75 डिग्री, 75 डिग्री फॉर्म करता है। तो आपको बताना है उनका रेशियो क्या होगा रेडियस का। भले ही यहां पर जो एंगल होता है वो रेडियन में होता है, लेकिन अगर आप रेशियो लोगे तो जो भी कन्वर्जन फैक्टर है वो कट जाएगा। तो यहां पर अब आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, पहली चीज, ठीक है। ये याद रखना है कि एंगल जो इससे निकलेगा वो किस में होता है, रेडियन में होता है। लेकिन अगर आपको इस तरह से रेशियो दिया जाए और दूसरा रेशियो पूछा जाए तो इस केस में आपको इसकी नीड नहीं है। अब आप कहोगे कि यहां पर जो आर्क है अगर मैं वो लिखना चाहूं तो आर्क क्या होता है, ये होता है अगर पहला एंगल θ1 है और रेडियस कितनी r1 है, तो दूसरा भी आर्क, क्योंकि क्या है आर्क लेंथ फिक्स है, तो आप कहोगे दूसरा θ2 और ये कितना हो जाएगा r2 के बराबर। तो दोनों आपस में बराबर है तो इनको आप बराबर कर दोगे तो θ1 और ये हो जाएगा r2। तो यहां से आप देखो रेशियो अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा θ1 अपॉन में θ2, ये बराबर हो जाएगा r2 अपॉन में r1 के। तो जो एंगल सबटेंड किया है अगर किस रेशियो में बढ़ रहा है ना, 60 से 75 हुआ तो 15 चौको 60 और 15 5 75, जो रेशियो ऑफ रेडियाई आएगा वो कितना आ जाएगा 5 से 4 के बराबर, ठीक है। तो आप ये बोलोगे कि इसका रेशियो इस तरह से होगा, रेशियो ऑफ रेडियाई क्या आ जाएगा 5:4। आपसे यही क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर अगर ये 4 से 5 गया है तो ये 5 से 4 हो जाएगा। ये मैंने जितने भी बेसिक एकदम चीजें थी जिसमें आपको इसमें क्वेश्चन जो पूछ सकता था एंगल वाला वो मैंने यहां डिस्कस कर दिया है, इससे ज्यादा कि इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात आ जाती है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर ट्रिग्नोमेट्री में कुछ है जो कि आपको आगे तक यूज आता रहेगा तो वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ठीक है। इनको बहुत ध्यान से देखना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितना इनको ध्यान दोगे, जितना इनको याद रखोगे, वो उतना ही ज्यादा आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है वो कैसे ट्राइंगल्स पे वर्क करती है, राइट एंगल ट्राइंगल्स पे। तो राइट एंगल ट्राइंगल्स पे अगर वर्क करती है तो आप ये सोचो कि अगर आपको वो ट्राइंगल ही पता चल जाए जिस ट्राइंगल की हमें मेजरमेंट्स करनी है तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। तो यहां पर आपको यही चीज है कि अगर पाइथागोरियन ये ट्रिपलेट्स अगर आपको मिल जाए तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है। हर एक चीज इसमें बहुत ईजी हो जाएगी, आसानी से आप इसको कर पाओगे। कपिल देखो इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते क्या है कि जो भी राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें जो हाइपोटेनस होता है इसका स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है, ये चीज होती है। तो ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई करने वाले बहुत सारे नंबर्स हैं जो आपको पता है, लेकिन वो आप यहां पर कैसे देख सकते हो, यहां पर आप ऐसे देख सकते हो कि ये कुछ वैल्यूज हैं, जैसे कि a²-b², ये जो यहां पर लिखी हुई a²-b² और 2ab, एक आईसो कम कर दो, a²-b² और 2ab और ये है a²+b², ठीक है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहां पर कुछ नहीं करना है, आप a और b में कुछ कुछ वैल्यूज पुट कर दो, b की जो भी चाहे वो वैल्यू पुट कर सकते हो, a की जो चाहे वो वैल्यू पुट कर दो। आपको इसमें जब भी आप वैल्यूज पुट करोगे तो आपको कोई ना कोई ट्रिपलेट ही मिलेगा, क्योंकि ये अपने आप में ही हमेशा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, ये डिसाइडेड ट्रिपलेट्स हैं। अगर स्मॉलर साइड पता है, कोई भी आपको दो साइड्स पता है, तीसरी साइड आप ट्रिपलेट की बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। इसमें कुछ कुछ 2-3 तरीके लगते हैं जिसपे कि ट्रिपलेट्स आपके आसानी से बनते चले जाते हैं, ठीक है। तो वो तरीके भी आप अप्लाई कर सकते हो। पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट्स हैं इसको करने का बहुत सारे तरीके रहते हैं निकालने के, जैसे कि
ये वाला तरीका बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं कि जैसे कोई भी एक नंबर है, ठीक है, तीन है, तो आप क्या करो, एक तो उसका डबल कर दो तो छह आ जाएगा, फिर तीन का स्क्वायर करो माइनस वन करो, तो तीन का स्क्वायर नौ माइनस एक आठ, और तीन का स्क्वायर प्लस वन तो ये हो जाएगा दस। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, बाकी बहुत सारे तरीके हैं, आप जिस भी तरीके से इसको अप्लाई करना चाहो अप्लाई कर सकते हो। इसकी देखो, ये आप अभी जो चीजें सीख रहे हो ना, ये आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाने लग रहे हो, लेकिन आपको क्वेश्चन में पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं बनाना होता है कभी भी। ठीक है, बहुत सारे लोग इस चीज को सिखाते हैं, मैं भी पहले सिखाता था, बट इसकी नीड नहीं होती, कभी भी नीड नहीं पड़ेगी। आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट पहचानना आना चाहिए। पहचानने के लिए पता है क्या इंपॉर्टेंट है, पहचानने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले तो या तो इन नंबर्स को आपने पहले से देखा होगा, देखा होगा तब बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि ये नंबर्स देखो सारे कैसे हैं, थ्री फोर फाइव है। ठीक है, यहां पर मैंने क्या पुट किया वैल्यू, तीन, अगर मैं दो पुट कर दूंगा तो दो का स्क्वायर माइनस वन, दो दूनी चार। इसी तरह से अगर यहां पर और कुछ कुछ वैल्यूज आप पुट करोगे तो ये नंबर्स आपके बनते चले जाएंगे। ठीक है, ये कैसे बन रहा है, ये डबल होकर के बन रहा है, दस चौबीस और कितना होगा छब्बीस, दस चौबीस छब्बीस है उसका हाफ करके। आपको ये याद रखना है कि ये क्या है, आपस में एक रेशियो है। अगर ये नंबर्स कैसे रेशियो के फॉर्म में है तो आप इनमें अगर किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तीनों में, तब भी ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही रहेगा। जैसे कि यहां पर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, पांच बारह तेरह है, इसमें मैं अगर 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2.5 से मल्टीप्लाई करने पर पांच में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिलेगा, 12.5 मिल जाएगा, और 12 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिल जाएगा, ये 30 मिल जाएगा। तो तीसरा नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने बोला ये वैल्यू हो जाएगी 13 दुनी 26 और 13 का आधा, तो ये कितना हो जाएगा 6.5, तो ये हो जाएगा 32.5 के बराबर। तो इस तरह से आपसे ये साइड्स पूछ सकता है। अगर ये बोलेगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल की दो भुजाएं 12.5 और 30 है, तो तीसरी भुजा कैसे निकालोगे, तो ये आपको इसी ट्रिपलेट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिपलेट पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो मैं कल आपके साथ डिस्कस करूंगा, अभी आज मैं बेसिक चीजें इसमें बता रहा हूं, बस एक बार आपको इनको देखते चलना है। तो ये नंबर देखो क्या क्या है, तीन चार पांच है, इसको चार तीन पांच के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और इसका जैसे डबल कर दूंगा तो 6 8 10 आ जाएगा। यहां पर 7 24 25 है, 9 40 41 है, 11 है, 60 है और 61 है। ठीक है, और क्या है, 13 84 85 है। तो ये नंबर्स हैं आपके सारे, 14 48 50 है, 12 35 37 है। ये वाले नंबर्स तो देखो स्क्वायर्स में एक कम एक ज्यादा है, 3 का स्क्वायर 9, 1 कम 1 ज्यादा है, 16 का स्क्वायर 16 है, यहां पर 25 है, यहां पर 36 है, यहां पर कितना है 49 है। तो ये इस फॉर्म से है आपके, देखो एक कम एक ज्यादा वाला फॉर्मेट है। यहां पर क्या है, यही नंबर्स अगर आप और आगे तक जाने लगोगे, जैसे देखो अगर मैं इनका हाफ करूं, इनका हाफ करने पर देखो ये वाले नंबर्स मिलेंगे, है कि नहीं, 6 8 10 में, इस वाले में 10 24 26 में हाफ करोगे तो ये मिल जाएगा, 14 48 50 का हाफ करोगे तो ये मिल जाएगा। इसी तरह से जब आप और आगे जाओगे तो ये नंबर्स आपको मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, इंपॉर्टेंट है। ओके, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपने सीख लिए, इसको और भी डिस्कस करेंगे जब हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे तब। ठीक है, मेन इसमें जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो आप ध्यान रखना, आपका ये नंबर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्री से जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, आप एक काम करना, मैं आपके साथ सीट्स जितनी भी लगवाऊंगा उन सबको सॉल्व करना, और इसके पहले तक अगर आपने कोई भी बुक लगा रखी है तो अच्छी बात है, नहीं लगाई है तो अभी आप इस बीच में जब तक मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा उस बीच में आप किसी भी बुक्स को मत टच करना। ठीक है, मैं बहुत छोटे छोटे चीजों को डिस्कस करूंगा, एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा, वैल्यू पुटिंग बहुत एंड में डिस्कस करूंगा। वैल्यू पुटिंग आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कम यूज करनी चाहिए। ठीक है, यूज करना पड़ेगा, आप जब भी कुछ भी नहीं आ रहा है तो वैल्यू पुटिंग पे आ जाओ, बट पहले जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे डिस्कस कर दूंगा, तो वो आप लोग आराम से पढ़ लेना क्योंकि बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे से इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं आपको छोटे छोटे शॉर्टकट्स बताऊंगा जो कि आपको बहुत मजा आएगा। और उसके बाद जब आप पूरा पढ़ लोगे ना, देन आप बुक्स को ओपन करना, आपको पेन चलाने की नीड नहीं रहेगी, 90% जो क्वेश्चंस होंगे आप देखते ही सॉल्व कर पाओगे, डायरेक्टली आपको आंसर्स पता चल जाएगा कि इसका आंसर ये आने वाला है। और अगर आंसर तक नहीं पहुंच पाए तो भी आप ये जरूर समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, इसको मैं कर ले जाऊंगा, अगर मैंने पेन उठाया तो ये पक्का कर ले जाऊंगा। तो ये आपको कॉन्फिडेंस जो है ना वो बिल्ड हो जाएगा। उसके लिए करना क्या है, आप एकदम परेशान नहीं हो कि मैं आपको पहले क्लास में बहुत थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं, पहली चीज में
धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हैं, हमेशा स्टार्टिंग स्लो रखेंगे और फिर कब स्पीड पकड़ लेंगे पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। जो जिन बच्चों से छूट जाएगा उन्हें समझ में आएगा कि बहुत स्पीड हो गई, आप लोग साथ में लगे रहोगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना, एक एक चीज जहां जहां पर भी इंपॉर्टेंट होगी वहां वहां पर मैं डिस्कस करते चल रहा हूं। तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। इसके बाद यहां पर आ जाते हैं, ये बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। यहां पर हम लोग फिर अगर प्रॉब्लम रहता है तो उस चीज को डिस्कस भी करना पड़ेगा अच्छे से। तो मैंने यहां पर दो एंगल्स लिखे हुए हैं, एक एंगल ए है एक एंगल बी है। यहां पर सारे साइन कॉस टेन है, ये कैसे है? एंगल ए के ऊपर, ये एंगल बी के ऊपर साइन कॉस टेन है। तो अगर आपसे कोई कॉसेक पूछेगा, ठीक है, या फिर सेक ए पूछे या फिर टेन ए पूछे, टेन ए तो है कॉट ए पूछे, तो भी आपको अभी के अभी आंसर करना है, ठीक है, और फटाफट आंसर करना है। दूसरे का ये नहीं देखना है कि वो उसने क्या आंसर दिया है, अपने आपको पहले कंफर्म नहीं करना है, सबसे पहले आपको आंसर करना है, ठीक है, सारे के सारे आंसर करना है जिस ऑर्डर में आप निकाल पा रहे हो उस ऑर्डर में इसको आप आंसर करो। जिन बच्चों को नहीं आता है वो साथ ही साथ सीखते चलना और फिर आंसर करना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कौन से एंगल ए वाले की, ठीक है। देखो यहां पर विजन जो होता है, देखने का तरीका जो है वो बहुत मैटर करता है। जिन बच्चों को आता है वो तो तुरंत कर लेंगे, जिनको नहीं आता है वो लोग समझते चलो। देखो यहां पर ये एंगल ए है, तो एंगल ए जिसके साथ बनता है वो दो भुजाएं हैं। देखो यहां पर ट्रिग्नोमेट्री में एक एंगल तो फिक्स रहता है जो कि 90 डिग्री होता है, तो बाकी सभी एंगल्स जो होंगे, बाकी सभी क्या मतलब, दो एंगल्स हैं तो एक एंगल हमेशा एक तो हाइपोटेन्यूस से टच होगा और दूसरी एक साइड से टच होगा। तो आप जिस भी एंगल को देखोगे तो एक साइड जो होगी वो हाइपोटेन्यूस होगी, दूसरी साइड जिससे वो टच हो रहा होता है वो उसके लिए क्या हो जाएगा, बेस की तरह वर्क करेगा, ठीक है। आप जिस भी चीज पे टिके हुए हो, जिस चीज पे टिके होते हो वो आपके लिए बेस की तरह हो जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो आपने कहा ये मेरे लिए बेस की तरह वर्क करेगा, तो ये तो फिक्स है हाइपोटेन्यूस, किसी भी इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस फिक्स रहता है। तो आपने बोला ये हाइपोटेन्यूस तो फिक्स रहेगा, ये क्या हो जाएगा, बेस की तरह वर्क करेगा। तो तीसरी साइड जो हो जाएगी वो आपके लिए कैसे वर्क करेगी, परपेंडिकुलर की तरह वर्क करने लगेगी, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि साइन कॉस टेन में कैसे वर्क करते हैं। तो देखो एक चीज कि आप इसको फॉर्मूले की तरह देखने के बजाय विजुलाइज करना स्टार्ट करो, जो चीज मैं करता हूं। मुझे भी फॉर्मूले में कई बार कंफ्यूज होता हूं, लेकिन अगर ट्रायंगल जैसा कुछ मैं अपने मन में बना लूं तो मुझे पता होता है कि अगर मैं इस वाले एंगल से देख रहा हूं, साइन कौन सा है, ए है, तो मुझे पता होता है कि जो बची हुई साइड है सामने वाली साइड ये आएगा यहां पर, और साइन और कॉस में हाइपोटेनस यानी कि कर्ण जो होता है वो नीचे आता है, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, आप उन फॉर्मूलाज से अब थोड़ा सा बाहर आओ, लंबटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, उसको थोड़ा सा लीव करो, बस आप इसको विजुलाइज करना भी देखो। विजुलाइज कैसे करोगे कि अगर आप इस वाले एंगल को देख रहे हो और साइन या कॉस देखना है, तो देखो साइन के केस में आपके जो सामने वाली साइड है अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और कॉस के केस में जिस साइड पे आप डिपेंडेंट हो, जिस पे ऊपर आप टिके हुए हो, वो वाला आ जाएगा यानी कि बेस और अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि साइन और कॉस में हाइपोटेन्यूस नीचे होता है और टैन में हाइपोटेनस आता ही नहीं है, टैन में हाइपोटेनस का काम ही नहीं है। टैन के केस में डायरेक्टली क्या होता है, सामने वाली साइड यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में ये वाली साइड यानी कि बेस, ठीक है। यहां तक ये छोटी छोटी बातें हैं बट ये इंपॉर्टेंट है, अभी नहीं, आप जब क्वेश्चंस करोगे ना तो यही चीजें हैं जो आपका कॉन्फिडेंस लो करने लगती है। छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताऊंगा, उनपे जहां पर मैं बोलूं कि यहां पर इंपॉर्टेंट है, यहां पर फोकस करना है, तो वहां पर आप फोकस करना, क्योंकि मैं सही बोल रहा हूँ कि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे खुद भी एक टाइम तक बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं था, कोई टीचर नहीं था, तो खुद से क्या मेथड्स इवॉल्व किए, किस तरह से चीजों को ऐसे रखा कि अब ये चीजें बहुत आसान लगने लगे। उसका रीजन सिर्फ एक ही है, आप इन चीजों को विजुलाइज करना स्टार्ट कर दो। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप इसको ऐसे भी समझा करो कि कोई भी चीज डिफिकल्ट तब तक लगती है जब तक आपको चीजें वो समझ में नहीं आती, और अगर समझ में नहीं आ रही तो कुछ प्रॉब्लम होगी, आप वो चीजें पूछ सकते हो डायरेक्टली। अगर क्लास में नहीं पूछते हो तो क्लास के बाद आप मैसेज कर सकते हो, मेरा नंबर है आप लोगों के पास, डायरेक्ट नंबर्स पे मैसेज करो, ठीक है, 888-78 वाले पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। किसी भी तरह की अगर क्वेरी है कि आपको कुछ एक टॉपिक है जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आता है, तो वहां पर क्या एक चीज है,
किस जगह पर आपको चीजें नहीं समझ में आती वो चीजें आप साथ में शेयर कर सकते हो, मैं उन चीजों को एक्स्ट्रा करके आपको अलग से समझा दूंगा ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है एकदम। ठीक है, देखो साइन क्या है आपका, फिर से वापस आ जाओ, साइन आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, ये वाले एंगल के लिए देख रहे हो तो सामने वाला ये जो परपेंडिकुलर है अपॉन में क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस। इसी तरह से जो कॉस है वो क्या आ जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। टैन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर में अपॉन में बेस। तो यहां पर अब वैल्यूज को अगर लिखना हो तो साइन के केस में आप कैसे लिखोगे, ये आ जाएगी 5/13, कॉस कितना आ जाएगा 12/13, टेन कितना आ जाएगा, टेन के केस में सामने वाला अपॉन में बेस, तो ये आ जाएगा 5/12। ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यूज, साइन कॉस की वैल्यू आ गई 5/13, 13/12, ओके ठीक है, 12/5 ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, और 15/5, राहुल यादव 15/5 किसकी वैल्यू लिखी आपने, 5/13, 12/13, 5/12, बिल्कुल करेक्ट है, 13/5, 13/12, 12/5, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो कॉसेक की वैल्यूज तो सही निकाली है, इसके बाद यहां पर वैल्यू कैसे आएगी, इसको भी अब आप इसका इनवर्स या इसका रेसिप्रोकल की तरह ट्रीट करना इसको भी बंद करो, इसको भी अब आप कॉसे के और से के, ये भी जब क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं ना तो आप एक तो दो प्रोसेस के थ्रू चलते हो ना, पहले आप ये निकालते हो फिर इसका इनवर्स करते हो, ऐसे भी नहीं करना। अब इसको कॉसे के को भी देखने का दूसरा तरीका क्या रहेगा, आपने कहा कॉसेक ए है अगर तो हाइपोटेनस ऊपर आएगा, हाइपोटेनस और कॉसेक में अपॉन में परपेंडिकुलर आएगा, अगर सेक ए की बात करी जाएगी तो हाइपोटेनस अपॉन में बेस आएगा। ठीक है, तो कॉसेक ए कितना होगा 13/5, ठीक है, कॉसेक ए अगर देख रहा हूं तो ये आपका जो कर्ण है अपॉन में क्या आएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, और सेक ए अगर आप देख रहे हो तो हाइपोटेनस अपॉन में बेस, तो ये आ जाएगा 13/12। दो प्रोसेस से नहीं जाना कि अगर आपसे डायरेक्टली सेक ए पूछा जाए तो पहले आप कॉस से निकाल लो, ये नहीं, अब आपको क्या करना है, सेक ए है अगर तो आप डायरेक्टली हाइपोटेनस अपॉन में बेस पे आ जाओ। ठीक है, अगर आपसे कॉस के पूछा गया तो डायरेक्टली हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, कॉट ए जो है वो आपका क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा 12/5, ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं ये इसी वजह से रेशियो इनको बोला जाता है, फंक्शंस इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि देखो ये कैसे रेशियो के फॉर्म में रहते हैं, साइड्स का रेशियो ही तो है। ठीक है, तो ये वैल्यूज हैं, इसकी जो वैल्यूज है 5/13 है ना, इसको आप 10/26 भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि रेशियो है, वैल्यू फिक्स रहेगी, आप किसी भी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी एक फिक्स ट्राइंगल में, वो आपको समझ में आना चाहिए। इसका यूज आपको आज की क्लास में नहीं तो कल की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट जब देखने को मिलेगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके साथ आज डिस्कस कर रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट देखो ये क्या है, साइन बी, साइन बी अब यहां पर आ गए तो आपने कहा सामने वाली भुजा कितनी 12/13, कॉस भी साथ वाली भुजा कितनी 5/13, टेन भी सामने वाली भुजा अपॉन में बगल वाली भुजा तो 12/5, इसी तरह से कॉसेक बी पर आ जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, पर हाइपोटेनस अपॉन में सामने वाली भुजा 12, सेक बी के साथ आ जाओगे तो 13/ साथ वाली भुजा 5, और ये कॉट भी कितना हो जाएगा, बेस जिसके साथ में अपॉन में ये। अब आप लोग चेक कर लो कितनी वैल्यूज थी जो आपने एक ही बार में करेक्टली निकाल ली थी, कितनी ऐसी वैल्यूज हैं जिन्हें आपने करेक्टली निकाल लिया था, भाई चेक करो एक बार क्या सभी वैल्यूज निकाल लिए, अरे वाह क्या बात है आशीष, आपने पहले कभी भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा किसी भी टीचर से, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर आपने किसी से नहीं पढ़ा है ना तो फिर अब आपको जो चीजें समझ में आएंगी वो मजा ही आ जाएगा आपको, और फिर आप इन चीजों को जब आप रिलेट करोगे ना, और जब अभी मैं आपको क्वेश्चंस लगाने के लिए फ्री छोड़ूंगा, जैसे अब आप एल्जेब्रा में क्वेश्चंस लगाने के लिए फ्री हो तो अब आप कहीं से भी किसी भी जगह से कुछ भी क्वेश्चन लगाओ, कहीं से का मतलब कहीं से भी। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके सीजीएल के एग्जाम में कभी भी उस लेवल का क्वेश्चन आ सकता है, आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है आप तुरंत उसको अप्लाई करो, नहीं अप्लाई हो रहा है तो आप मुझे भेज दो, ठीक है, मैं आपको विद इन वन डे मतलब जब भी मुझे मिलेगा उसके बाद विद इन 24 आवर्स आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और वो आपके कॉन्सेप्ट्स मैंने यहां पर डिस्कस किए होंगे, ये भी चीज आपको मिलेगा कि मैंने उसका कॉन्सेप्ट जरूर से जरूर आपकी क्लासेस में डिस्कस किया होगा, ये भी एक चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ओके चलो, तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया जिसमें कि आप लोग निकालना सीखते हो। तो इसी तरह का एक और ट्राइंगल है, इसमें भी सारी चीजें निकालो, देखो
सात चौबीस पच्चीस वाला है। इस केस में अगर आपसे पूछा जाए साइन ए, ठीक है, यहां पर ए कौन सा है, एक बार एंगल ये ले लेते हैं और एक बार एंगल ये। अच्छा साइन कॉस टेन तो आप लोग आसानी से निकाल लेते हो, तो साइन कॉस टेन नहीं, आपको निकालना है कॉस ए के, सेक ए और कॉट ए, ठीक है। और इसके बाद ये एंगल बी हो जाएगा, तो ये एंगल जो बी है उसके लिए भी आपको सेम चीजें निकालनी है, कॉसेक बी, सेक बी और कॉट बी, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको निकालनी है, ठीक है, ओके। चलो तो कॉस ए की वैल्यू निकाल लो, ये वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, सेक ए की वैल्यू निकालोगे ये आ जाएगी, इसी तरह से कॉट ए की वैल्यू निकालो, इसी तरह से कॉसेक बी, सेक बी और कॉट बी, ये वैल्यूज आप निकालो। चलो आंसर करो भाई सभी लोग फटाफट, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए और कॉसेक बी, सेक बी, कॉट बी, इसकी वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगे। बहुत अच्छे निशांत, वेरी नाइस। कॉसेक ए का वैल्यू कितना आया, अपने कॉसेक ए है परपेंडिकुलर अपॉन में, गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी क्या कि सही है, 25 बटे 12 नहीं 25 बटे 7 लिखा ना, बहुत अच्छा, ठीक है ये हो गई 25 बटे 7, ठीक है। आगे सेक ए की वैल्यू कितनी आएगी, सेक ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी, कौन पे है एंगल वहां पर है, ये बेस वाला आ जाएगा सात वाला, ठीक है 24। और कॉट बी की वैल्यू 25 बटे में, 25 कहां से आ रहा है, कॉट में 24, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेस अपॉन में ये 7, ठीक है। तो सेम चीज अगर आपसे टेन ए की पूछी जाती तो अब आप और आसानी से बता सकते हो 7/24। इसी तरह से साइन ए की वैल्यू अगर पूछी जाती तो ये आपका हो जाता कितना, 7/25। कॉस ए की वैल्यू अगर पूछी जाती तो ये हो जाता बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस 24/25, ठीक है, डायरेक्टली अब आप लिख पाते। इसी तरह से कॉसेक बी की अगर वैल्यू पूछी जाए, कॉसेक बी की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, बी है तो कॉसेक आ गया तो हाइपोटेन्यूस में आ जाओगे, अपॉन में कौन सा, सामने वाले परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर 24 हो जाएगा, ठीक है 25/24। इसी तरह से सेक बी पे आ जाओगे तो हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, ये हो जाएगा 7। कॉट बी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7 अपॉन में बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस 7/24, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप लोग मैच करा लो कि आपकी भी सेम वैल्यूज आ रही, ये तीन वैल्यूज और ये तीन वैल्यूज। देखो अगर आपने नहीं भी कमेंट किया, आपने वीडियो देख रहे हो या बाद में वीडियो देख रहे हो, तो यही सेम वैल्यूज आपने निकाली या नहीं निकाली, ये एक इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, आपको कल मैं इसका यूज दिखाऊंगा, जब आप ये चीजें समझ जाओगे अच्छे से बहुत हेल्प करेगा, कई जगहों पर कई पार्ट में ये क्वेश्चन में हेल्प करेगा, ठीक है ओके। चलो तो यहां तक आपने बेसिक चीजें निकालना सीख लिया, इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे वैल्यूज पे। आपने ये तो रेशियो से निकालना सीख लिया, इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे कि वैल्यूज अगर हम लोग देखें तो वैल्यू कौन कौन से नंबर की कितना कितना वैल्यू आती है। ये अंधेरा क्यों छा रहा है कि वैल्यूज अच्छा इसकी वैल्यूज नहीं दिखेगी क्या सारे सही थे, कोई डिलीट तो नहीं था, मतलब कोई गलत तो नहीं था ना मजीद, ठीक है। अच्छा ये तो तुम लोगों को भी ये ब्लैक ब्लैक दिख रही है, अरे ब्लैक कैसा दिख रहा है, तो सही आ रहा है अच्छा ठीक है, तो फिर इसको हटा देते हैं, अगर ये नहीं दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर लिखना पड़ जाएगा, चलो फिर लिख लेते हैं। अरे लेकिन ऐसा ये ऐसा क्यों हो रहा है चलो कोई नहीं, एंगल्स पे आ जाएंगे, अच्छा साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो फिर कोई बात नहीं और अच्छे से डिस्कस हो जाएंगे। अब देखो वैल्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, कैसे कैसे इनको ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी आप बर्फ गिरने वाली है, ध्यान से समझिए। देखो 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है, साइन की वैल्यूज याद रखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं कि ये कितने पांच हिस्से हैं,
ये चार हिस्से हैं, इनमें डिफरेंसेस कितने के चार हैं, तो चार से डिवाइड करते चलो, तो ये 0/4 हो जाता है, 0, ये 1/4 हो जाता है, स्क्वायर रूट लेते चलो 1/2, ये 1/2 बचेगा स्क्वायर रूट ले लो 1/√2, ये 3/4 हो जाएगा स्क्वायर रूट ले लो 3√3/2, और ये 4/4 यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी साइन की वैल्यूज आ जाती है। ठीक है, साइन की वैल्यूज आ जाती है। अब यहाँ पर ऊपर नीचे हो जाएगा, वो थोड़ा सा हाथ से कभी ऊपर चला जाएगा, वो चीज एक थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगी, इस वजह से इन चीजों को लिख लेना ज्यादा बेटर रहता है, बट कोई नहीं। तो साइन की वैल्यू आपको ये पता है। ठीक है, यहां से सिर्फ इतना ही नहीं देखना है कि ये वैल्यूज हैं और ये मुझे याद है कि नहीं याद है, इसके इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इसके साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो ये है कि आप ये देखो कि साइन की जो वैल्यूज है, ये जो इसकी लिमिट है साइन थीटा की, ये लिमिट कहां से कहां तक है, इसकी जो लिमिट होती है ये 1 से इक्वल या उससे छोटी होती है, मतलब साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, 1 है, या उससे छोटी रहेगी, साइन कभी भी 1 से बड़ा वैल्यू नहीं ले सकता है। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं मिनिमम वैल्यू इसकी पूछूं तो ये हो जाएगी -1। ठीक है, यानी कि साइन की जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 है, तो 1 से -1 के बीच में रहता है साइन। ठीक है, साइन के जो एंगल की वैल्यू है 0 से 90 तक, जो कि इंपॉर्टेंट है, वो ये वैल्यूज है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब आपको एक बेसिक आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का सम कितना होता है, 1 होता है, तो अगर ये 0 है तो इसको कितना होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। अगर ये 1/2 है तो इसका स्क्वायर 1/4, तो दूसरा वाला नंबर 3/4 होगा, स्क्वायर रूट लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी √3/2 के बराबर। 45 पे दोनों सेम रहते हैं, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो ये भी 1/√2 का स्क्वायर 1/2। यहां पर ये 1/2 है तो ये यहां पर 1/2 हो जाता है और ये 90 पर 0 हो जाता है। ठीक है, तो आपने कहा इस तरह से इसका ये वैल्यू इसका ग्राफ जाता है। अभी मैं इसका ग्राफ भी बना करके प्रॉपरली आपको दिखा दूंगा। साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टेन का ग्राफ अलग चलता है। कैसे चलता है, टेन जो होता है वो आपको पता है साइन अपॉन कॉस होता है, ये चीज हम लोगों ने यहां पर भी थोड़ा सा देखी है। देखो यहां पर साइन और कॉस को जब आप डिवाइड करोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। यहां पर भी देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट जाएगा। तो इस तरह से टेन का जो ग्राफ है वो साइन अपॉन कॉस होता जाता है। तो आपने बोला ये वैल्यू जो आती जाती है वो साइन अपॉन कॉस होती है। तो देखो साइन अपॉन कॉस करोगे तो टेन जीरो पे तो जीरो आ जाएगा क्योंकि 0/1 है। टेन 30 पे कितना आएगा, 1/2 है, 1 अपॉन में करोगे √3/2 तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में √3। ठीक है, 45 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 के बराबर, tan 45 1 हो जाएगा। इसी तरह से tan 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, sin अपॉन cos कर दोगे तो ये हो जाएगा √3। और tan 90 पर ये कैसा हो जाता है, इनफाइनाइट, या फिर आप इसको क्या बोलते हो, अनडिफाइंड। ये वैल्यू कैसी है, डिफाइंड नहीं है, इसके बारे में कुछ भी अता पता नहीं है। ठीक है, तो tan 90 आपका अनडिफाइंड होता है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले मैंने ये बोला कि साइन की जो लिमिट है वो लिमिट कहाँ है, इसको बोलते हैं डोमेन। जो साइन का डोमेन है, जिस डोमेन में ये वर्क करता है, वो किसमें किसमें है, आपका थीटा किसी भी एंगल पे आप ले लो, इसकी जो वैल्यू है, वर्क रेंज जो है, रेंज आपकी क्या है, डोमेन तो इसके लिए कुछ भी है, डोमेन आप कुछ भी ले सकते हो, जो रेंज है वो 1 से -1 है, +1 मैक्सिमम, -1 ये। और यही सेम चीज आपकी किसके लिए, कॉस के लिए भी है, तो कॉस को भी इसी के साथ लिख लिया जाए। कॉस का भी सेम हाल है, इससे भी कुछ अलग नहीं है, ये भी मैक्सिमम +1 है, मिनिमम -1 है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से अगर मैं टेन से कॉट की तरफ बढ़ूंगा तो कॉट का भी क्या हाल है, सेम है। अगर मैं कॉट को देखूं तो क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, तो कॉस अपॉन साइन तो ये जीरो पर ही क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। बाकी वैल्यूज कैसी होती है, जस्ट अपोजिट चलती आती है, √3, 45 पे 1, 60 पे 1/√3, और टेन 90 पर कितना हो जाता है, 0/1, यानी कि ये जीरो हो जाता है। ठीक है, ये टेन और कॉट की वैल्यू होगी। और यहां तक आप लोगों को जनरली चीजें ध्यान रहती हैं, जिन चीजों पे आप लोग ध्यान कम देते हो वो होती है सेक एंगल और कॉसेक एंगल। ठीक है, इन एंगल्स पे थोड़ा सा ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी जो रेंज होती है वो भी जरा बताना। देखो टेन और कॉट की जो रेंज है ना वो एकदम अलग ही है, नेक्स्ट लेवल है। इनका डोमेन भी इनफाइनाइट है और रेंज भी इनफाइनाइट है।
इनफाइनाइट के साथ कभी भी इक्वल टू का साइन नहीं लगता है, इनफाइनाइट के साथ हमेशा लेस देन का साइन लगता है। तो ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक ये इस तरह से जाते हैं, ठीक है। तो टेन और कॉट जो है वो अनडिफाइंड तक जाते हैं, लेकिन जो सेक है और जो कॉसेक है, अगर आपसे कोई इसकी रेंज पूछे तो कोई इसकी रेंज बता सकता है? कोई भी कमेंट करके सेक ए या कॉसेक ए की रेंज बताओ, ये किस रेंज में वर्क करते हैं। मैं जब तक इनकी रेंज निकालने की कोशिश करता हूं, देखो कॉस की वैल्यू जीरो पर कितनी है, वन है, तो सेक की भी कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। थर्टी पर रूट थ्री बाई टू है, तो सेक थर्टी कितना हो जाएगा, टू बाई रूट थ्री हो जाएगा। ये 45 पे वन बाई रूट टू है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट टू हो जाएगा। इसी तरह से सेक की 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है, दो के बराबर, और 90 पर कितना हो जाएगा, ये 90 पर हो जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये आपने बोला माइनस इनफाइनाइट से वन, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, और वन से इनफाइनाइट, बहुत अच्छे निशान, वेरी नाइस। अब देखो कॉसेक ए की अगर मैं देखूं तो जीरो पर कितना है, वन अपॉन साइन होता है, तो ये अनडिफाइंड हो गया। थर्टी पर कितना हो जाएगा, दो। 45 पे कितना हो जाएगा, रूट टू, और 60 पे कितना हो जाएगा, टू बाई रूट थ्री, और 90 पर कितना हो जाएगा, वन। इन दोनों के लिए जो ग्राफ है वो तो मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा, जो इनकी लिमिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से देखना। देखो जो sec थीटा है और जो cosec थीटा होता है ना, ये इनकी जो वैल्यू होती है वो कभी भी एक से माइनस एक के बीच में लाई नहीं करती। आपकी ये ध्यान रखना है, जो sec थीटा है और जो cosec थीटा होता है, इनकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा एक से बड़ी होगी इस साइड, और माइनस एक से कैसी होगी, छोटी होगी, ठीक है। माइनस एक से क्या होगी, छोटी होगी, मतलब ये माइनस इनफाइनाइट तक जाते हैं और प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं, लेकिन प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट के बीच में एक जो रेंज है माइनस वन से प्लस वन, इसके बीच में इनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। हाँ, ये माइनस वन और प्लस वन जरूर होते हैं, इसके बराबर जरूर होते हैं, लेकिन इनके बीच में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन तक आते हैं, इसके बाद माइनस वन से प्लस वन के बीच की कोई भी वैल्यू नहीं लेते हैं। माइनस वन भी वैल्यू हो सकती है, प्लस वन भी हो सकती है, लेकिन माइनस वन से प्लस वन के बीच का कोई भी वैल्यू इनके बराबर नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है। sec थीटा और cosec थीटा कभी भी माइनस वन या प्लस वन के बीच की कोई भी वैल्यू नहीं लेते हैं। यानी कि कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि sec थीटा का मान जीरो कब होगा, तो उसमें सोच में नहीं पड़ना है, आप क्लियरली बोल सकते हो sec थीटा का मान कभी भी जीरो नहीं होता है। या आपको कोई ऐसा क्वेश्चन कुछ बना करके दे दे कि sec थीटा की वैल्यू फ्रैक्शन में कुछ आ जाए, 4/5 या 1/2, तो आप sec थीटा और cosec थीटा में बिल्कुल क्लियरली बोल सकते हो कि इनकी वैल्यू कभी भी माइनस वन से प्लस वन के बीच में कोई भी वैल्यू ये अटेन नहीं करते हैं, वहां तक ये नहीं पहुंचते, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है, ओके। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ग्राफ को देखेंगे। ग्राफ से पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये आपके कार्टेशियन जो ग्राफ होता है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है, इनमें अगर मैं इस तरह से देखूंगा तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस का, और इस वाले जो चार हिस्से हो गए ना भाई, देखो कोई एक जो प्लेन था इसके चार हिस्से हो गए, तो यहां से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, इसी तरह से ये वाला पार्ट जो होता है ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो ये आपके क्वाड्रेंट्स हो गए। अच्छा, इसमें क्वाड्रेंट्स से ज्यादा इसमें जरूरी ये है कि आपको एंगल का मेजरमेंट समझना है कि एंगल कहां से मेजर किया जाता है। आपको ये पता है कि टैन जो होता है वो एंगल जनरली मेजर करने के लिए यूज होता है, तो ये आपका देखोगे तो ये क्या है, जीरो एंगल है, ठीक है, अगर यहां से मेजर करें। और इस तरह से जैसे आप आओगे तो यहां पर आपको वैल्यू 45 मिलेगी, ये आपका क्या हो गया, 90। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो एंगल इसका कहां से कहां तक होता है, आपका हो गया जीरो से लेकर के 90 डिग्री के बराबर तक, ठीक है। इसी तरह से जो सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा वो 90 से 180 के बीच में, यहां पे आपका 90 से 180 तक आओगे, 180 से 270 यहां तक आओगे, और 270 से आप इस तरह से 360, ठीक है। अब देखो इस वाली जो लाइन है इसको आप 0 डिग्री भी बोलते हो और 360 भी बोलते हो, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट एंगल भी इसीलिए 0 डिग्री भी होता है, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल बोलते हैं ना, तो ये आपका यहां पर ये जो जीरो है ये क्या है, अगर दो बार 180 कर लिया तो 280 हो जाएगा, तो 0 डिग्री या 360 डिग्री में कोई भी अंतर नहीं है। तो कभी भी आपको जैसे बहुत बड़े बड़े से एंगल मिल जाए, मान लो आपको ऐसा कुछ मिल जाए 72/25 पाई इस तरह से मिल गया, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जाए
ठीक है, यहां पर तो ये कटेगा नहीं, अगर कुछ ऐसा टर्म ले लेते हैं कि जो कटता चला जाए, ठीक है। तो मान लो 15 ले लिया, ठीक है, तो ये आपको जैसे मान लो दिया गया हो, तो इस केस में आपको इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे आसान तरीका होता है इसको कि 2 पाई के फॉर्म में जितना नियरेस्ट आप इसको ब्रेक कर सकते हो वैसे ब्रेक कर दो, ठीक है। तो 15 से आप 75 तक पहुंच सकते हो, तो वो 15 25 75 होगा, तो 4 बार ले लो, 15 चौको 60, तो आप कहोगे कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 प्लस 12/15 पाई, तो ये आपका जो 4 होगा ना, यहाँ पे 4 पाई आ जाएगा, पाई से अगर मैं गुणा कर दूं तो ये 4 पाई, या फिर इसको आप 0 लिख सकते हो। तो बड़े से बड़े एंगल को ब्रेक करने का जो सबसे आसान तरीका वो ये है कि 360 डिग्री के फॉर्म में आप उसको ब्रेक कर लो, और 360 डिग्री 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि आप 720 लिखा हो, 360 लिखा हो, ठीक है, 960 एंगल है, ये सारे एंगल्स क्या है, 0 के बराबर, ये आपस में 0 के बराबर है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कभी आपको 1000 डिग्री दिया है तो 1000 डिग्री पे आपको एकदम परेशान नहीं होना है कि ये क्या होगा, 1000 आएगा क्या, नहीं 1000 नहीं आएगा, रुक जाओ, 360 इसमें ऐड करोगे तो 980 आएगा, ठीक है, 1080 आएगा, 1080। तो अगर आपको 1100 दिया हो, 1100 एंगल दिया है, ठीक है, तो 1100 एंगल है, इसको आपसे वैल्यू पूछा जाए कि साइन की 1100 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1080 जो होगा, 1080 कितना होता है, 0 हो जाएगा, ठीक है। 1080 अगर 0 हो गया तो आपने कहा बचा हुआ कितना है, 0 प्लस 20, तो बस आपको साइन 20 की वैल्यू बतानी है और कुछ नहीं, ठीक है। और ये आपको जनरली या तो गिवन होगा या फिर क्वेश्चन इस तरह से होगा 1110 डिग्री, ये होगा तो ये साइन 30 हो जाएगा, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कोई भी बड़ा एंगल अगर आपको दिया हो तो उसको आप 0 360 720 इसके फॉर्म में ब्रेक कर लोगे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद आपको एक और चीज है जो कि ध्यान रखनी है, वो है ग्राफ, ठीक है। ग्राफ से आपकी जो वैल्यूज निकल करके आती हैं वो इंपॉर्टेंट आती हैं। कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि आपको इससे ध्यान रखने के लायक हैं, जिनको कि आपको देखना है, ठीक है। देखो ट्रिग्नोमेट्री को मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि एकदम बेस से, अगर आपको, कई ऐसे बच्चे जिनको कुछ भी नहीं आता ना, उनको भी चिंता नहीं करनी है, पूरा एकदम बेस से वो मैं आपको एक एक चीज डिस्कस करूंगा। आपको जो भी शीट्स मिलेंगी उनको आप वर्क करते चलना, इस वीक में ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ ये चीज ध्यान रखना है कि जो वैल्यूज या जो भी चीजें मैं आपको बोलूंगा कि ये आप याद करते चलो, तो वो आप याद करते चलना, ठीक है, रिवीजन करते चलना है, ये एक इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। मैं आपको दो ग्राफ एक साथ ड्रॉ करने की ट्राई कर रहा हूं कि दोनों ग्राफ एक साथ बन जाए, ताकि आप इनमें कंपेरिजन भी देख सको, ठीक है। जैसे कि साइन का ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो साइन का ग्राफ कैसा होता है, जीरो पर वैल्यू कितनी होती है, साइन की जीरो रहती है, ठीक है। साइन की जीरो पर वैल्यू जीरो होती है, 30 पे वैल्यू आपने देखा था कितनी हो जाती है, साइन 30 पर, आप लोग कमेंट करते चलना या फिर कमेंट नहीं करना, मन में बोलते चलना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 30 पे वैल्यू हाफ हो जाती है, तो मैंने कहा कि अगर मैं वाई एक्सिस पे यहां पर मार्क कर लूं, ठीक है, तो आपने कहा 30 पर ही इसकी वैल्यू कैसे हाफ तक पहुंच गया, 30 डिग्री पर हाफ पहुंच गया। 45 पर ये क्या होता है, 45 पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, साइन की, तो आपने कहा 45 पे 1/√2 होती है, तो जो 1/2 है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.5, और 1/√2, रूट टू की वैल्यू 1.4 होती है, तो ये थोड़ा सा इससे बड़ी है, बहुत ज्यादा नहीं बड़ी, ठीक है। जैसे 0 से 30 पे ये वैल्यू कितनी हो गई, तो आपने कहा हाफ तक पहुंच गया, लेकिन अब ये हाफ से 1 के बीच में आया, ठीक है। और 90 डिग्री यहां पर कितना हो गया, 0 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, और आपने कहा यहाँ पे 60 आ जाएगा इस तरह से, तो आपने कहा 60 पे वैल्यू कितनी होती है, √3/2, इस तरह से थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो ये 60 पे आ गए। इसके बाद आपने कहा 90 लेते हैं, तो ये 90 पर जो वैल्यू आती है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेता है, तो ऐसे तो फिर बहुत आगे चला जाएगा, फिर से बनाते हैं, ठीक है, और पास पास में मैं वैल्यूज लिख लेता हूं ताकि आपका जो ग्राफ है वो इस तरह से जल्दी से बन जाए। तो देखो ये वैल्यू इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो आपने कहा यहां पर अगर मैं देखूंगा तो 30 पर वो हाफ पहुंच जाता है, ठीक है, फिर 45 पे और आगे इसी तरह से 60 पर, और ये 90 पर क्या होता है, अपना मैक्सिमम अटेन कर लेता है, ठीक है। तो ये 90 इस तरह से आपने बोला कि यहां पर मैक्सिमम है। अब होता क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है, +1 है, तो 90 डिग्री पर अगर ये मैक्सिमम अटेन कर लेता है तो इससे आगे एंगल पर क्या होता है, ये वैल्यू घटने लग जाती है। तो आपने कहा ये वैल्यू घटने लग जाती है, तो ये कुछ इस तरह से घटने लग जाती है, और घट करके वापस से जीरो कब हो जाती है, तो आपने कहा 180 डिग्री पर ये वापस से जीरो हो जाती है। तो इसके बाद आपने यहां पर एक चीज देखी, वो क्या देखी कि जो साइन है, उसके अंदर का जो एंगल है थीटा जो है,
वो 0 से 180 तक कैसा रहा? पॉजिटिव रहा। जो चीजें बता रहा हूं एक एक चीज आप ध्यान देते चलना और ये हर एक चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। मैंने आपको इससे पहले क्वाड्रेंट्स बताए, क्वाड्रेंट्स बताए थे। अब देखो साइन जो है, जो साइन है ठीक है, वो आपका कहां से कहां तक पॉजिटिव है, ये मैंने इसको इस तरह से ड्रॉ किया, ये है आपका साइन। 0 से लेकर 180 तक ये कैसा रहा? पॉजिटिव रहा। और इसके आगे देखो भाई, जरा इसके बारे में थोड़ा सा और इसको आगे देखो, तो 180 से जैसे ही आप आगे गए तो ये ग्राफ कैसा होता है? नीचे आ जाता है। और नीचे आकर के फिर से ऊपर कब आता है? ये मैक्सिमा नीचे यानी कि -1 कब अटेन करता है? 270 डिग्री पर। एंगल यहां पर कितना होता है? 270 डिग्री। और ये वैल्यू इसकी कितनी होती है? ये -1 के बराबर। ठीक है, आपको ग्राफ अगर ध्यान रहेगा ना तो कभी आप जैसे वैल्यूज में कंफ्यूज होते हैं ना, तो कंफ्यूज ही नहीं होगे, बहुत आसानी से आप चीजों को निकाल पाओगे। तो आपने कहा 270 पर वैल्यू -1 और फिर से 360 पे 0, तो 0 हो या 360 हो ये आपस में कैसा है? बराबर है। और इसके आगे अगर मैं देखूंगा तो फिर से ये वैल्यू कैसे होने लगेगी? फिर से 90 इसमें जोड़ दोगे तो 450 आ जाएगा और 450 पे ये वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी। तो 450 से अगर आपसे कभी पूछेगा तो आप उसमें से 360 हटा दो, बचा कितना? 90। साइन 90 पे वैल्यू 1 होती है। तो ये आपका साइन का ग्राफ है जो इसी तरह से चलता है। और ये 0 से 360 के बीच में जिस तरह से था, सिमिलरली ये पीछे भी इसी तरह से ही वर्क करेगा। अगर कोई पीछे के इस तरह से पूछेगा तो यहां पर भी ये वैल्यू सेम है, यहां पे -90 पर यहां पर आ गया, सॉरी -90 पर ये होगा, ये -90 है, यहां पर कितना हो जाएगा? -180। और ये इसी तरह से आप यहां पर आ जाओगे, माइनस ये कितना होगा? 270 डिग्री। और ये होगा माइनस में 360। ठीक है, हालांकि माइनस का उतना रोल नहीं रहता है, बट अगर आप ग्राफ बना रहे हो तो इजीली आप इन चीजों को समझ सकते हो। ये बिल्कुल पीरियोडिक फंक्शन है, एक वैल्यू जिस तरह से जाती है सेम वैल्यू उसी तरह से वापस वापस रिपीट करता है। ये आपका साइन का कर्व है। ठीक है, साइन की वैल्यूज इस तरह से वैरी करती है। यहां पर दो तीन चीजें जो समझने वाली हैं, जो आप यहीं पर एनालाइज कर लो ताकि जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो आसानी से आप कर पाओ, वो क्या है? देखो, जो साइन होता है वो 0 से लेकर 90 तक अपनी वैल्यू को इंक्रीज करता है। साइन 0 से 90 पर वैल्यू इंक्रीज होती है, 90 से 180 तक डिक्रीज होती है, या फिर ये बोलो कि 90 से 270 तक डिक्रीज होती है। ठीक है, साइन की वैल्यू 0 से 90 तक इंक्रीज होती है, और 0 से 90 तक इंक्रीज होने के बाद 90 से 270 तक कैसी होती है? डिक्रीज होती है। ये वैल्यू है भाई, वाई एक्सिस आपके क्या होती है? वैल्यू को डिफाइन करता है। तो ये वैल्यू कैसी है? 0 से 90 तक बढ़ रही है और 90 से 270 तक घट रही है। 270 से फिर से आप बोलोगे अब 180 तक ऐसे रहेगा कि 180 अगले वाले तक घटता जाएगा, फिर 180 तक बढ़ेगा, फिर 180 तक घटेगा, ऐसा आपका वैल्यू रहेगा। तो आपने यहां पर ये बोला कि साइन जो है वो 0 से 90 तक कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन रहता है, और 90 से 270 तक कैसा रहता है? डिक्रीजिंग फंक्शन रहता है। ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा है फिर ये डिक्रीज हो रहा है। अब मैं बात करता हूं कॉस के कर्व की। ठीक है, कॉस के कर्व को इसी के ऊपर ही बना रहा हूं, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। कॉस की 0 पर वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। कॉस की 0 पर वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और 90 तक आते आते क्या होता है कि ये 0 हो जाता है। 90 तक आते आते ये 0 हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद भी ये रुकता नहीं है, ये 180 पर कैसा होता है? मैक्सिमम नेगेटिव पहुंच जाता है, ये आपका इस तरह से -1 पे पहुंच जाता है। ठीक है, कॉस की वैल्यूज किस तरह से वर्क करती है? इस तरह से कॉस 0 पर ही मैक्सिमम होता है जो कि +1 है। ये कैसा? डिक्रीजिंग फंक्शन रहता है, ये डिक्रीजिंग रहता है, इस तरह से नीचे आता जाता है। और 180 के जस्ट नीचे आने पर ये कैसी? मिनिमम वैल्यू को अटेन कर लेता है। और इसके बाद यहां से ये ग्राफ कैसा होता है? इंक्रीजिंग बनता है, और ये 270 पे कहां पे? 0 पर, और इस तरह से 360 पर यहां पर आ जाता है। ठीक है, तो वो 360 आपको ध्यान ही है कितना होता है? 0 होता है। तो 0 पे वैल्यू 1 थी, तो यहां पर 360 पे फिर से कहां पर आ जाता है? वापस से अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेता है। तो अगर आपसे इसके बारे में पूछे कि कब ये इंक्रीजिंग है कब ये डिक्रीजिंग है, तो इसको ध्यान रखना है कि कॉस का जो फंक्शन है वो 0 से लेकर 180 तक ये कैसा रहता है? डिक्रीजिंग रहता है। ये वैल्यू इसकी कैसी होती है? डिक्रीज होती रहती है, घटती जाती है। और 180 के बाद, 180 को टच करने के बाद ये कहां तक? 360 तक इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो ये आप इसको इस तरह से भी ध्यान रखोगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनके बारे में क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले। क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है अब वो देख लो। क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछेगा कि 45 से 60 के बीच में,
ठीक है, 45 से 60 के बीच में साइन एक्स जो है वो बड़ा है या छोटा है साइन स्क्वायर एक्स से, इस तरह से पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है कि साइन एक्स जो है वो बड़ा होगा या छोटा होगा कॉस एक्स से, ठीक है, या फिर पूछ सकता है कॉस स्क्वायर कर देगा साइन एक्स, या फिर साइन का स्क्वायर कर दे कॉस एक्स, या इसमें जितने भी चेंजेस पॉसिबल है वो कर सकता है। अब आपको यहां पर क्या है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ग्राफ का, अगर आपको ग्राफ का आइडिया रहेगा तो आपको चीजें काफी हद तक इजीली कर पाओगे। स्क्वायरिंग के केस में आप एक चीज ध्यान रखना, एक से जीरो के बीच में है, माइनस वन से प्लस वन के बीच में स्क्वायर करने पर वैल्यू और छोटी हो जाती है, ये चीज ध्यान रखना, स्क्वायर करने पर वैल्यू छोटी हो जाती है। तो आपको यहां पर एंगल दे देगा कि किस एंगल से किस एंगल के बीच में बात कर रहा है, जीरो से नब्बे के बीच में बात कर रहा है, बोलेगा कि जो थीटा है वो जीरो से नब्बे के बीच में है, इस केस में बताओ कौन सा ट्रू है, कौन सा आपका सही है कौन सा गलत है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इसके लिए अगर आपको ग्राफ का आइडिया होगा तो बड़े आसानी से आप इन चीजों को कर पाओगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी, इस वजह से इन चीजों को ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, टेन का जो ग्राफ होता है, टेन का ग्राफ बड़ा ही आसान सा होता है, आपने कहा यहां पर 90 है यहां पर माइनस 90 है, तो प्लस 90 पर प्लस इन्फाइनाइट, जीरो पे जीरो और माइनस 90 पे माइनस इन्फाइनाइट, इस तरह से आपका ग्राफ जाता है, ये साइन का, जस्ट अगर इन्वर्स कर दोगे तो ये कॉट का ग्राफ हो जाएगा। कॉट का ग्राफ कैसा होता है, हालांकि देखो कॉट सेक और कॉसेक के ग्राफ की नीड नहीं पड़ती है, उनमें कंपेरिजन भी नहीं पूछा जाता है, बट ये चीज है। एक और चीज जो इससे निकल करके आती है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान से देख लो, कॉस के लिए आपको जैसे मैंने बताया कि साइन का जो ग्राफ है वो कैसा है, जीरो से लेकर के 180 तक पॉजिटिव रहता है, जो साइन एंगल है वो कैसा है, जीरो से 180 तक पॉजिटिव रहा, भाई जीरो से 180 तक इसकी वैल्यू पॉजिटिव थी। कॉस के केस में देखो क्या है, कॉस का अगर मैं नेगेटिव साइड में ग्राफ देखूं तो यहां पर 90 पे प्लस वन है तो माइनस 90 पे जीरो है, तो कॉस आपने बोला क्या होगा, यहां पे माइनस 90 पे जीरो होगा, तो आपने कहा कॉस जो है वो प्लस 90 से माइनस 90 के बीच में पॉजिटिव था। तो अगर मैं कॉस के लिए अगर इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये ड्रॉ करूं तो कॉस आप कैसे लिखोगे, आप कॉस को इस तरह से लिखोगे, ये आपका कॉस होगा। तो कॉस की जो वैल्यू है वो प्लस 90 यानी कि 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव है और 0 से माइनस 90 यानी कि इस वाले में आपका पॉजिटिव है। तो आपने बोला कॉस कौन कौन से, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने बोला कि देखो ये फर्स्ट और सेकंड में आपका कौन सा रहता है, साइन, फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है, फर्स्ट और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव रहता है। तो आपने बोला एक बच रहा है, कौन बच रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट बच रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो इसके पहले आपको टेन की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आपने कहा टेन का जो ग्राफ होता है वो भी पीरियोडिक है, तो ये इस तरह से ही वर्क करेगा हर एक इंटरवल के बाद। तो आपने कहा यहां पर जीरो है, यहां पर कितना है 90 है, तो फिर से यहां पर ये स्टार्ट होगा नीचे से माइनस, माइनस इनफाइनाइट से, ठीक है, और यहां पर 180 पर क्या आ जाएगा, ये फिर से जीरो हो जाएगा और ये 180 से 270 के बीच में फिर से इस तरह से पॉजिटिव आपका रहेगा। तो जो टेन का ग्राफ है वो कहां कहां पर पॉजिटिव रहता है, तो आपने कहा जीरो से 90 और फिर यहां पर ब्रेक हो जाता है ये आपका 180 से 270 के बीच में। तो अगर मुझे टेन के बारे में लिखना हो तो टेन ऐसे लिखूंगा, टेन अपने आप में टेंजेंट है, टेंजेंट कैसा नापता है ना, एंगल टेन कैसे नापते हैं आप लोग, जो स्लोप होता है वो भी टेन एंगल से नापा जाता है, तो ये स्लोप है, मतलब ये टेढ़ा है इस तरह से। तो आप ये ऐसे भी याद रखोगे कि किस किस एंगल पे कौन कौन से आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो पॉजिटिव रहते हैं। तो आप ऐसे याद रखोगे कि जो टेन है वो फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव रहता है, अगर एंगल टेन के अंदर का जो एंगल है वो 0 से 90 या 180 से 270 के बीच में है तब तो वो पॉजिटिव होगा, अगर वो सेकंड या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई किया तो वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना। तो ये कौन से में है, फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव है, साइन जो है वो फर्स्ट और सेकंड कॉन्टिन्यूअसली पॉजिटिव है, जो कॉस है वो भी कॉन्टिन्यूअसली पॉजिटिव है, कहां कहां पर, फोर्थ से फर्स्ट में आने पर, ये भी देखो कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव है भाई, इसका ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं होता है, लेकिन जो टेन का ग्राफ है वो ब्रेक हो जाता है। अगर आपने 90 डिग्री पे वैल्यू निकाली तो प्लस इनफाइनाइट, 91 डिग्री पे वैल्यू निकाली तो माइनस इनफाइनाइट, जो टेन का ग्राफ है वो एकदम सडन चेंज आते हैं इसमें। आप कभी भी टेन के लिए वैल्यूज निकालना, आप कैलकुलेटर वगैरह से यूज करो, थोड़ा बहुत जब आप वैल्यूज को खुद से सर्च करोगे ना तब आपको मजा भी आएगा और ट्रिग्नोमेट्री बहुत आपको अच्छा भी लगेगा। देखो 10 85 डिग्री की वैल्यू निकालना,
86 की वैल्यू निकालना है, 87, 88, 89 यहां तक वैल्यू निकालना, 90 पर अनडिफाइंड होगा, आपका जो कैलकुलेटर है डिपेंड करेगा कौन सा है उस पर वो निकालेगा वैल्यू। 10, 91 पे वैल्यू निकालना, यहां तक वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यहां पर वैल्यू निगेटिव आने लगेगी और बहुत बड़ी निगेटिव वैल्यू माइनस इनफाइनाइट के आसपास आएगी। जैसे जैसे आप बढ़ोगे आगे 180 की तरफ वैल्यू जीरो की तरफ टेंड होगी और फिर से आप यहां पर जैसे आगे आओगे तो फिर से वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो आप जब 10 लिखना तो यहां पर ध्यान रखना कि ये आप डिग्री लिख रहे हो लेकिन वो जो 10 में लेगा वो रेडियन में लेगा, तो ये भी आप ध्यान रखना। कई बार बच्चे इस तरह से बोलते हैं कि सर हमने सर्च किया था तो आंसर आ नहीं रहा था, वो तो कुछ वैल्यू दे रहा है, तो मैंने बोला कि वो रेडियन में वैल्यू लेता है, 10 के अंदर में ये वैल्यूज कैसा रेडियन में रहती है। तो आप डिग्री में आप वैल्यू अगर रखना चाह रहे हो तो उसको चेंज कर लेना, साइंटिफिक कैलकुलेटर में ये सारे ऑप्शंस होते हैं। तो जब आप इसको देखोगे तो इसका ग्राफ कैसा ब्रेक हो रहा है ग्राफ, ठीक है, इसका जो स्लोप है वो कैसा बहुत हाई है, 45 तक, यानी कि आधे डिग्री पर ये वैल्यू सिर्फ वन टच होती है। ये देखो इसका ग्राफ कितना सडन चेंज लेता है कि 0 से 45 तक आप सिर्फ एक को ही टच कर पाए, एक तक पहुंच पाए, और 45 से 90 जाने पर इनफाइनाइट को पहुंच गया, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए, आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। इसके बाद देखो ये आपकी जो ग्राफ है वो कैसे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो कैसे चेंज होते हैं। मान लो आपको 120 की वैल्यू पूछे जाए साइन में, ठीक है, तो अब 120 तक तो हम लोगों ने याद नहीं किया, हम लोगों ने कितने याद किए 0, 30, 45, 60, 90, तो आप 120 पे कैसे पहुंचोगे, उसके लिए कुछ टेबल है इसमें, वो कन्वर्जन टेबल, कैसे कन्वर्ट होता है वो देखना है, ठीक है। तो इसमें दो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, पहली चीज क्या है, अगर आप 90 प्लस या माइनस एंगल ले रहे हो, ठीक है, तो यहां पर ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा साइन कॉस टेन ये चेंज होता है, लेकिन अगर आप 180 प्लस माइनस ले रहे हो, ये चीज आपने 10th 12th में पढ़ी होगी, इस वजह से इसको एकदम शॉर्ट में मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप 180 के साथ ले रहे हो, अगर आप इसको 180 के साथ ले रहे हो प्लस माइनस थीटा, तो ये आपका कैसा होता है, ये चेंज नहीं होता है, जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में रहेगा। तो 180 का मतलब क्या है, 360 पर भी ये चेंज नहीं होगा, 360 प्लस माइनस थीटा होने पर भी चेंज नहीं होगा, और 90 पर चेंज होने का मतलब क्या है कि 270 पर भी ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो साइन कॉस टेन चेंज किस में होता है, साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस कॉसिक जो है ये सी जो है साइन है, तो ये कॉस में, कॉस होता है साइन में, जो कॉसिक होता है वो सेक में, जो सेक होता है वो कॉसिक में, जो टेन होता है वो कॉट में। टेन और कॉट का बहुत अच्छा है, जो टेन है उसका रेसिप्रोकल जो है वो भी कॉट है, और टेन का जो 90 प्लस एंगल है वो भी क्या है, कॉट है, ठीक है, माइनस में आ जाता है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस में आ गया। लेकिन यहां पर जो है साइन के साथ अगर रेसिप्रोकल देखोगे, ठीक है, तो रेसिप्रोकल इसका कॉसेक होता है, लेकिन अगर आप 90 प्लस माइनस के केस में देखोगे, ठीक है, तो 90 प्लस माइनस के केस में ये क्या आता है, कॉस के बराबर आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है कि रेसिप्रोकल इसका कॉसेक है, लेकिन अगर आप 90 प्लस माइनस के केस में जाओगे तो ये कॉस आएगा, ठीक है। अच्छा, जहां पर भी जीरो लिखा है इसका मतलब, क्योंकि ये माइनस थीटा है तो इसको आप जीरो माइनस थीटा लिख सकते हो, और जीरो का मतलब जो होता है वो ही होता है 360 के बराबर, तो आप इसको 360 माइनस थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं जिनको कि आपको देखना है, आसानी से आप इसको समझ लोगे। अल्फा की वैल्यू अगर ये है तो साइन अल्फा है तो किस में कन्वर्ट होगा, साइन का 360 माइनस थीटा है तो किस में कन्वर्ट होगा, कॉस का 360 माइनस थीटा है वो किस में कन्वर्ट होगा, ये चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, 360 माइनस थीटा है और थीटा की वैल्यू जो है वो आपकी कैसी है, जीरो से 90 के बीच में, थीटा जो है वो 90 के बराबर नहीं हो सकता ना 90 से बड़ा हो सकता, ये भी चीज ध्यान रखना। तो अब आप इस टेबल को देखोगे तो अब ये टेबल थोड़ा सा सेंस करेगी, थोड़ा अब आपको समझ में आएगी। तो आपने बोला कि अगर 360 माइनस थीटा है और थीटा 0 से 90 के बीच का वैल्यू है, तो ये वाला जो है ये कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड है, 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड है, 360 माइनस थीटा, तो माइनस करोगे तो ये आपका कहां पर आ जाएगा, 360 माइनस थीटा है, 360 प्लस थीटा करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपका आ जाएगा। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट कितने हैं, दो हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट कितने हैं, दो हैं, सेकंड क्वाड्रेंट कितने हैं, दो हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में एक ही है, तो 180 प्लस और 270 माइनस आता है इस वजह से, ठीक है। बाकी सारे कितने, दो दो बार हो गए। अब देखो
360 माइनस थीटा है, 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए हो तो अब आप चीजें या तो ऐसे ध्यान रखो या डायरेक्टली ध्यान रख सकते हो। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, टैन नेगेटिव होता है, कॉट नेगेटिव होता है, सेक पॉजिटिव होता है। सेक क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस का रेसिप्रोकल है तो सेम रहेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं? कॉस और सेक। इसी तरह से नेक्स्ट कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव रहता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। देखो सभी के आगे क्या है? प्लस है। सभी के आगे प्लस है ना, सभी पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसी तरह से 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड में कौन सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव रहता है, तो देखो साइन वाले कैसे हैं? पॉजिटिव है। कॉस वाला नेगेटिव है, टैन नेगेटिव है, कॉट नेगेटिव है, सेक नेगेटिव है। कॉसेक क्योंकि साइन का इनवर्स है इस वजह से ये भी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका कौन कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है सिर्फ, बाकी सारे नेगेटिव हो गए। अब एक चीज ये देखना कि क्योंकि 90 के साथ में आप गए थे सेकंड में जाने के लिए, 90 का यूज किया तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, टैन हो जाएगा कॉट में, कॉट हो जाएगा टैन में, सेक हो जाएगा कॉसेक में, कॉसेक हो जाएगा सेक में। दो चीजें इसमें आपको लगानी रहती है। पहली चीज क्या होती है? आपका अगर साइन कैसा होगा वो देखना होता है। दूसरी चीज अगर 90 के साथ जा रहे हो तो साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, ये चीजें ध्यान देनी होती है। तो दो चीजें हैं, आप इनको अप्लाई करोगे सारी वैल्यूज आसानी से निकल करके आ जाएंगी। इसी तरह से आपको यहां पर भी सेकंड क्वाड्रेंट है तो देखो साइन सेम रहेगा, प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, माइनस माइनस, माइनस माइनस, प्लस प्लस, ठीक है। तो आपने कहा ये चीजें कोई डाउट नहीं है, आसानी से हो रही है। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे तो थर्ड में कौन सा था? फर्स्ट और थर्ड में टेन पॉजिटिव था, तो देखो साइन नेगेटिव हो गया, कॉस नेगेटिव हो गया, टेन आपका पॉजिटिव है और कॉट भी आपका पॉजिटिव होगा। 180 के टर्म्स में गए थे तो टेन का टेन रहा, अगर 270 के टर्म्स में जाते तो टेन का कॉट हो जाता, कॉट का टेन हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप कि ये टेबल अब आपको समझ में आ गई है पूरी, इसको डिस्कस करने का नीड तो नहीं है, क्लियर है? ओके, आइडेंटिटीज है वो सभी को पता होनी चाहिए क्योंकि हम लोग उनको यूज जाने अनजाने में भी उनका यूज करते ही रहते हैं। तो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ठीक। और हम लोग अभी सिर्फ इनको बेसिक एज इट इज यूज करेंगे, थोड़े से टाइम में अगली क्लास या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनको भी, इनके और जो फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी यूज करेंगे, ठीक है। अगर आप इसमें साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे या कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाता है। जब कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और जब साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हो तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका आ जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तो बेसिक आइडेंटिटी है, इसके बारे में तो बताने की नीड नहीं है, बट तुम लोगों को पता रहता है, ठीक है। एक और जो चीज जो डिस्कस करनी है जो कि इंपॉर्टेंट है वो ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे आपको दिया होता है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, और ये वैल्यू किसके बराबर दी होती है? सी के बराबर दी होती है। यह बी पॉजिटिव इस टाइम पे बहुत खतरे वाली चीज है, तो इस समय बी पॉजिटिव की जगह अगर तुम बी नेगेटिव बोलोगे तो भी मैं खुशी फील करूंगा, ठीक है। तो इस वाले केस में दो चीजें पूछता है और ध्यान रखना है दोनों चीजें क्या क्या होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, ठीक है, या फिर वो पूछेगा, या फिर क्या पूछ सकता है, बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है। और दोनों की ही जो वैल्यू आएगी, दोनों की वैल्यू सेम आती है, कितनी आती है ये वैल्यू? अगर मैं एक्स के बराबर मान लूं तो एक्स की जो वैल्यू आती है वो आती है रूट में, प्लस माइनस बाहर रहेगा, ये होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के, ठीक है, ये वैल्यू आती है। तो ध्यान रखना है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा है या बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा, दोनों ही चीजें अगर पूछता है तो दोनों की वैल्यू सेम होती है और ये कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है। अच्छा, एबीसी जो ट्रिपलेट होते हैं, ये जो तुमने बोला आशीष भड़ानी, ये ट्रिपलेट हमेशा नहीं होते, ठीक है, हमेशा ट्रिपलेट नहीं होते हैं। अच्छा, तो जो तुमने बात बोली उसको भी समझ लेते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आपसे ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है तो उससे आप क्या निकाल सकते हो, ये दो वैल्यूज निकाल सकते हो कि ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा या बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपसे पूछी जाएगी तो ये डायरेक्टली आप बता सकते हो प्लस माइनस रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के बराबर होता है।
इसके बाद अगर आपको a sin theta b cos theta बराबर c है, तो अगर मैं c से डिवाइड करूं तो ये आपका आ जाएगा a अपॉन c, और यहां पर क्या होगा sin theta, प्लस में क्या आ जाएगा b अपॉन c, और यहां पर क्या होगा cos theta। ये बराबर होगा किसके, 1 के, और 1 के बराबर कब होता है आपने देख पढ़ा हुआ है sin square theta। तो sin square theta को ऐसे लिख लेते हैं sin theta into sin theta, ठीक है, प्लस में cos theta को ऐसे लिख लेते हैं cos theta into cos theta, और ये वैल्यू 1 के बराबर होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की। तो यहां से अगर हम लोग कंपैरिजन करें, अगर हम लोग यहां से कंपैरिजन करें तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है a बाई सी, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है b बाई सी। और ये कब होगा, जब ए बी सी ट्रिपलेट्स होंगे, तब जब ए बी सी ट्रिपलेट्स होंगे यानी कि a b और c कैसा ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे होंगे, सी स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तब ये चीज ट्रूथ होगी, ठीक है। अच्छा, एक ये चीज हो गई, ये दूसरी चीज हो गई। इसी चीज को आप और बेटर वे में ऐसे अप्लाई कर सकते हो कि देखो, आप बोलोगे कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है तो साइन थीटा में होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ठीक है। जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, इस तरह से होता है। तो आपने बोला कि यहां पर ये क्या है, देखो ए पी अपॉन एच, ये क्या है बी स्मॉल बी अपॉन एच बराबर है सी के, ठीक है। तो यहां से जब आप देखोगे तो आपको अगर वैल्यूज होंगे ना, तो वैल्यूज के फॉर्म में काफी हद तक आप आसानी से इसको बता पाओगे, काफी हद तक इसको कंपेयर कर पाओगे। तो ये भी ध्यान रखना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा है तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस रहता है, ठीक है। उसका भी कई बार यूज करके आप वैल्यूज गेस कर पाओगे, डायरेक्ट रिजल्ट आंसर लिख पाओगे। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, तीनों चीजों को आपको ध्यान रखना। पहली चीज क्या थी कि अगर डायरेक्टली आपसे ये दिया है और इस फॉर्मेट में पूछे a cos theta माइनस b sin theta, b sin theta माइनस a cos theta, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है प्लस माइनस रूट में a square प्लस b square माइनस c square, ये एक हो गया। इसके बाद अगर आप इसको c से डिवाइड कर दोगे तो ये वाला जो फॉर्मेट बनता है जिसमें आप कंपेयर करके sin theta और cos theta की वैल्यू निकालते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको ये चेक करना रहता है, हालांकि ये जब भी बनेगा आपको क्लियरली दिख जाएगा ए बी सी कैसे होंगे, ट्रिपलेट्स के फॉर्म में होंगे। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट आपका फॉर्म है वो क्या है, a sin theta b cos theta है। इसमें आपकी यहां पर जो वैल्यूज हैं, कई बार आपको ऐसा क्लियरली दिखेगा कि ये एक वैल्यू जो होगी हाइपोटेनस के बराबर होगी, उस केस में आपका जो आंसर है वो सबसे फास्ट आ जाएगा। तो वो तरीका भी आपको ध्यान रखना है, उसको भी हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, ओके। इसके अलावा अभी आज के क्लास में आपको और कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, आप सीट्स को अप्लाई करोगे, आपने कर ली होगी, आंसर्स आ गए होंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया, क्वेश्चन नंबर 1, क्या कुछ आंसर आप लोगों ने निकाला है। देखो यहां पर डिफरेंस जो है वो रेडियन में नहीं डिग्री में दिया है, और सम जो है वो रेडियन में दिया गया है, ठीक है। सम कितना है 22/9 रेडियन, और डिफरेंस है 36 डिग्री। तो आपको क्या करना है इसमें, इसमें बताना है वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलर एंगल की वैल्यू बतानी है। तो स्मॉलर एंगल की वैल्यू बताने के लिए आपने कहा आंसर जो है वो डिग्री में है, तो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, कैसे डिग्री में, 22/9 क्या है ये आपका रेडियन है, आपने कहा पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, तो एक रेडियन में 180/पाई, पाई यानी कि 22/7, आपने कहा 22 से 22 कट जाएगा, यहां 7 है, 9 से काटोगे 20, 7 का गुणा 20 में करोगे ये आ गया 140। तो एंगल्स का जो सम है एंगल ए और एंगल बी ये कितना है 140, और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 36 डिग्री। आपसे पूछ रहे स्मॉलर एंगल, तो घटा दोगे तो ये बी आ जाएगा, आपने कहा ये बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 104 के बराबर, और ये घटाने पर 2b की वैल्यू आएगी, तो आपने कहा बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 52 डिग्री के बराबर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 52 आ जाएगा, बड़ा वाला 88, ओके। चलो अगले क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको दिया गया है सेंट्रल एंगल बताना है, आर्क लेंथ दी गई है और रेडियस दिया गया। मैंने आपको बताया था जो एंगल होता है रेडियन में इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस होता है, यही होता है। आर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, और रेडियस कितना है 14, और ये आपका किस में आ गया रेडियन में, पाई रेडियन 180 डिग्री, तो 180 डिग्री अपॉन में पाई यानी कि 22/7, सात से काटोगे 14 दो बार जाएगा, 11 से काटोगे 22 दो बार जाएगा, ये आ गया 4, 180 को काट दोगे 90 और 90 का आधा 45,
तो ये 45 क्या है, डिग्री में है। अगर रेडियन में पूछा जाता तो यही वैल्यू आपका आंसर हो जाती 11/14। ठीक है, तो ये आपका डिग्री में आंसर आ रहा है 45। ओके चलो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस कर दिया था आपको क्लास में ही, इस कॉन्सेप्ट पे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, अभी आपको आने वाली क्लासेस में खूब सारी प्रैक्टिस करनी होगी। कोई भी टॉपिक अगर आपका वीक है तो उसको स्ट्रांग बनाने का एक ही तरीका है, उस पर इतनी जम करके प्रैक्टिस करो कि आपको वो चीजें एकदम कॉमन लगने लग जाए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर 0 से 90 के बीच में है। अच्छा, कॉस थीटा जो है और कंपेयर किस में करना है, कॉस स्क्वायर थीटा में, और कहां पर कंपेयर करना है, कॉस 90 पे कितना हो जाता है 0, और 0 पर 1 हो जाता है, तो 1 से 0 के बीच में आना है। आपने कहा 1 से 0 के बीच की जो वैल्यूज होती है अगर मैं उनका स्क्वायर करता हूं तो वो कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो ये बात तो फिट है। आपने कहा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो 1 कब होगा जब 0 पर जाएंगे, और 90 पर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आपने बोला कि 90 पर 0 होगा तब भी स्क्वायर सेम रहता है, तो उसके लिए एंगल्स तक पहुंचना चाहिए। अगर यहां पर इक्वालिटी का साइन होता तो यहां पर भी इक्वालिटी का साइन आता, लेकिन क्योंकि यहां पर इक्वालिटी नहीं है तो आप बोलोगे यहां पर भी इक्वालिटी नहीं आएगी, तो यहां पर इक्वालिटी नहीं आएगी मतलब यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कॉस थीटा जो होगा वो बड़ा होगा कॉस स्क्वायर थीटा से। ठीक है, थर्ड का भी आ जाएगा। ओके, फोर्थ पे आ जाओगे, ये क्वेश्चन सीडीएस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। जो 1 रेडियन होता है वो मैंने आपको डिग्री में कन्वर्ट करके कल दिखाया था, 57 के आसपास अप्रोक्सीमेट आता है, 57-58 के। तो आपने कहा ये तो डिग्री में काफी बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। तो आपने बोला साइन यहां पर अगर मैं देखूंगा तो साइन कैसा होता है, ग्राफ बढ़ता जाता है, तो अगर हायर डिग्री पर देखोगे तो वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, यहां पर कैसी है, छोटी है। तो आपने कहा ये रॉन्ग हो गया, फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कैसा है, कॉस 1 डिग्री, तो यहां पे कॉस तो छोटे पे ही बड़ी वैल्यू होती, तो आपने बोला यहां पे 1 डिग्री बोल रहा है छोटा होगा जबकि 1 रेडियन यानी 57 डिग्री अप्रोक्सीमेट बड़ा होगा, तो आपने कहा ये भी रॉन्ग है, तो नन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। फिफ्थ क्वेश्चन से क्वेश्चन आसान है, बस आपको ध्यान देना रहेगा क्वेश्चन में। आपको देखो एंगल्स क्या है, दोनों अलग अलग है, दो अलग अलग एंगल्स हैं, तो ये इनका सम 2 कब होगा, जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी कि 1 और इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू यानी कि 1 ये जब रीच होगी तब जाकर के ये 2 के बराबर होगा। तो आपने बोला 2 कब होगा, जब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू 1, ये भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू 1 को अटेन करेगा। तो आपने कहा जब ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा यानी अल्फा कितना होगा 90, कॉस 90 0 होता है, कॉस 1 कब अटेन करता है जब बीटा 0 के बराबर होगा, तो आपने कहा एंगल ये कितना हो जाएगा 0 डिग्री होगा, तो 0 डिग्री पर ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो आपने कहा दोनों का सम कितना आएगा 0 0 हो गया, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ हो गया। सेम क्वेश्चन है सिक्स्थ और सेम क्वेश्चन सेवन्थ भी है, जहां तक ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अल्फा और बीटा है, अल्फा कितना हो गया 90, बीटा कितना हो गया 0। आपने बोला कि अल्फा 2 अल्फा करना है तो ये कितना हो गया 180/3 किया तो ये कितना हो गया 60, तो साइन 60 है यहां पर कॉस का और साइन का, तो साइन का 60 तो यहां नहीं बन रहा है, 90/2 करोगे 45, 90/3 करोगे तो ये तो नहीं बन रहा है, तो साइन 60 जो है वो कॉस में 30 के बराबर होगा। आपने कहा कॉस 30 देखो कहां पे बन रहा है, तो कॉस 30 कहां पे बन रहा है भाई, अल्फा की वैल्यू कितनी आई 90 आई है, 90/3 करोगे तो 30 ये बन रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सिक्स का बी पार्ट। आसान आसान से क्वेश्चन है बट प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद देखो क्या है, साइन अल्फा कॉस बीटा साइन गामा कॉस डेल्टा, चार का सम 4 है, मतलब आपने कहा हर एक की वैल्यू अलग अलग होगी, कितनी, साइन है तो 90, कॉस है तो 0, साइन है तो 90, कॉस है तो 0 होगी, लेकिन कॉस का अगर साइन बनेगा तो 0 पे ये 0 हो जाएगा जबकि यहां पर ये 1 था। आपने कहा ठीक है, साइन का साइन में ही रहा तो ये तो 1 ही रहेगा माइनस में, कॉस बीटा है साइन बीटा हो गया तो यहां पर 0 पर था ये 0 हो जाएगा जबकि ये 1 था, साइन से कॉस में आए तो आपने कहा ये भी 0 होगा जबकि वहां पर 1 था, तो सेवंथ का आंसर कितना आ जाएगा, सेवंथ का आंसर माइनस 1 आएगा। कई बार क्या होता है हम लोगों को ऐसा लगता है साइन से कॉस में हो रहा है, कॉस से साइन में हो रहा है, दो को चेक करके सभी को 0 मान लेते हैं, ऐसा नहीं करना, यहां पर वैल्यू माइनस 1 आएगी, सेवंथ का माइनस 1 हो गया। एट्थ क्वेश्चन पे आ जाओ, एट क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, इफ ए बी एंड सी बी द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल
देन आउट ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट रिलेशन इज, इनकरेक्ट रिलेशन बताना है कौन सा गलत है। एबीसी अगर आपके क्या है एंगल है किसके ट्राइंगल के, तो आपने कहा इनका सम कितना होता है 180, तो इसको a प्लस बी पाई माइनस सी लिख सकते हैं जैसा कि हर जगह दिख रहा है, सभी जगहों पे बाई टू भी है तो बाई टू कर देते हैं, तो आपने कहा बाई टू करोगे तो ये हो जाएगा a बाई टू प्लस b बाई टू, ये आ जाएगा पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो आपने बोला कि यहां पर हो गया। अब देखो अगर मैं कॉस ले लेता हूं, कॉस लोगे तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो आपने कहा ये कैसा है करेक्ट है। अगर टैन लूंगा तो कॉट होगा ना, तो ये इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट पूछा है तो यही आंसर हो जाएगा। साइन से कॉस में जाओगे करेक्ट है, कॉट से टैन में जाओगे करेक्ट है, तो एट का बी पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स साइन 4 अल्फा माइनस बीटा, 4 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 90 के बराबर, 4 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री, आपको क्या है cos 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 बाई टू, ये कितने पे होती है 60 पे, cos की वैल्यू 60 पे कितनी होती है 1 बाई टू, तो आपने कहा 2 अल्फा प्लस बीटा ये वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। आपको 4 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दी गई, 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है, दोनों को अगर जोड़ दूं तो 6 अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, तो अल्फा की वैल्यू अगर 25 है तो 25 दूनी 50, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 10 के बराबर। आपसे पूछा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, तो अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री, साइन का 45 कितना होता है 1 बाई रूट 2, कॉसेक 45 रूट 2 के बराबर। ठीक है ओके, यहां तक बेसिक क्वेश्चंस थे, इसके आगे के क्वेश्चंस भी आसानी से आपने कर लिए होंगे आप लोगों ने। इसी वजह से देखो कोई भी टॉपिक आपका जो भी एडवांस में यूज होता है वो मैंने पहले ही कवर कर दिया है, सर्च इंडिसेस का भी यहाँ पर यूज हो सकता है, एलजेब्रा के कई थ्योरम्स का यहाँ पर यूज होगा, आपने देखा ही होगा क्वेश्चंस को अगर अटेम्प्ट किया होगा तो बड़े आसानी से अब आप लोगों ने कर लिया होगा। रूट के अंदर एक्स 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 हो तो हमेशा इसकी वैल्यू 1/6 आ जाती है। आपने बोला साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/6, अब साइन थीटा की वैल्यू 1/6 बनाते ही आपके दिमाग में ये वाला फिगर बनना चाहिए कि ये अगर 1 है तो ये क्या है 6 है, तो ये कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1, तो आपने कहा ये हो जाएगा 35 के बराबर। किस थीटा के लिए बात कर रहे हैं, इस वाले थीटा के लिए बात कर रहे हैं, तो टेन थीटा कितना होगा, आपने कहा 1/√35 ये हो जाएगा टेन थीटा, कॉट थीटा कितना होगा √35/1 ये हो जाएगा कॉट थीटा, इसका सम जब करेंगे तो कितना आएगा, आपने कहा √35 एलसीएम में आ जाएगा, √35 एलसीएम में एक ही ऑप्शन में है और बाकी √35 से स्क्वायर होगा 35 प्लस 1 36। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। टेंथ क्वेश्चन आसानी से कर लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको, ये वैल्यू तुरंत पता है कितना 1/6 आ जाएगा। ओके अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉट थीटा है इस तरह से आपको बताना है क्या, देखो कॉस है यहां पर कॉस है, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, तो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, तो cos square कट जाएगा, यहां पर अपॉन में देखो क्या बचेगा 1/sin² थीटा होगा, तो ये हो जाएगा 1/sin² थीटा इस साइड आएगा एलसीएम होकर के और साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा। यहां से देखो 1-sin² थीटा क्या हो जाएगा cos² थीटा sin² थीटा अपॉन cos² थीटा करोगे ये हो जाएगा tan² थीटा, इसकी वैल्यू 3 के बराबर, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3 के बराबर, टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी √3, तो थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 60 डिग्री के बराबर, टेन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, थीटा का ही मान पूछ रहा है आपसे, आपका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री 11th का सी। चलो 12th पे आ जाओ, 12th क्वेश्चन बड़ा ही बचकाना क्वेश्चन है बच्चों वाला, आपको बस छोटी सी एक वैल्यू ध्यान रखनी है, कौन सी वैल्यू, कॉस 90 कितना होता है 0 होता है, अगर 1, 2, 3 ऐसे करते हुए 179 तक जा रहे हैं तो बीच में एक कॉस 90 पड़ेगा जो कि कितना होगा 0 होगा, सबके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो ये भी ओवरऑल वैल्यू को 0 में कन्वर्ट कर देगा। ओके चलो यहां से थोड़े बहुत वैल्यूज आपको देखनी है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को हल्के में नहीं लेना, ये क्वेश्चन आपके मेंस तक के एग्जाम में डायरेक्टली इस तरह से पूछा जाता है, अभी बहुत ज्यादा ध्यान से समझना क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपसे मेंस तक के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है राहुल, थोड़ा तुम बीच में वो हो गए थे, क्लासेस में नहीं दिख रहे थे, क्या हो गया था, मंजीत ने बताया कि तुम दुकान पे थे जिस वजह से बिजी शेड्यूल में से क्लास के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे थे।
ट्राई करना आगे से, अभी जब तक मैं ट्रिगो पढ़ा रहा हूँ या मेंस्ट्रुएशन ज्योमेट्री तब तक थोड़ा सा रेगुलर रहना, क्योंकि ये चीजें सडनली अगर निकल जाएंगी ना तो फिर बहुत टाइम लगेगा वापस से कवर करने में। पाई बाई सिक्स है, वैल्यू कितनी हो गई, वैल्यू लिख लो 30 हो गई, ये 150 है, 45 है, वो कितना है 90। अब देखो कॉट की 30 या टेन का 60, टेन 60 कितना होता है रूट थ्री, आपने देखा यहाँ पर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 3। आपने कहा 4/3 है, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ गया 4 आ जाएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपको अभी फोकस यहां पर करना है क्योंकि मेंस का पेपर बहुत डिले नहीं होगा, थोड़ा बहुत डिले होगा लेकिन उससे ज्यादा नहीं। कॉस 150 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने कहा 150 है अंदर में, ऊपर में स्क्वायर है तो माइनस होगा, उससे फर्क पड़ता नहीं, तो 180 में से घटा लोगे, 180 माइनस 30 होगा तो कॉस 30 आ जाएगा, कॉस 30 यानी साइन 60, तो ये रूट 3/2 है, स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3/4 के बराबर गुणे में 3, ठीक है। माइनस में है 4 कॉसिक स्क्वायर, कॉसिक 45 यानी रूट 2, स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 के बराबर, प्लस 8 साइन 90, तो 8 इंटू ये हो जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। तो आपने कहा माइनस 8 से प्लस 8 कट जाएगा, यहां पर ये कितना है 9/4 है, प्लस में 4 है तो ये कितना हो जाएगा 4 × 16 और 9 = 25, तो 25/4 ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ाई का ग्राफ गिर रहा है, हाँ यार ये चीजें थोड़ा सा इनसे बच करके निकल लो, क्योंकि ये वही है, शादी वगैरह भी जिंदगी में एक ही बार होती है तो इसके लिए ऐसा कुछ बचा भी नहीं जा सकता। अच्छा 14th क्वेश्चन का आंसर क्या है, 14th क्वेश्चन का आंसर शायद कुछ गड़बड़ है क्या, क्वेश्चन नंबर 14 में आई थिंक कुछ एक ऑप्शन कुछ मिसिंग था, यहाँ पर ये इक्वल वाला की जगह पर ये ग्रेटर होगा, ऐसा ये एक ऑप्शन होगा, ग्रेटर देन जीरो, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, लेस देन, हाँ ठीक है। 14th का बी आ रहा था क्या, चलो चेक करते हैं, मगर किसी ने बोला था कि ऐसा एक ऑप्शन होगा तो कर लेते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन 45 यानी कि 1/√2 माइनस कॉस 30 यानी साइन 60, ये हो जाएगा √3/2, ठीक है। अपॉन में कितना आ जाएगा, अपने अपॉन में आ जाएगा कॉस 45 यानी कि 1/√2 प्लस में आ जाएगा कॉस 60 यानी साइन 30 1/2। अच्छा ये बताओ ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है क्या, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ए जो है वो पॉजिटिव है या नहीं। देखो अगर एज इट इज तुम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, बी इज ग्रेटर देन ए है, बी इज ग्रेटर देन ए, अच्छा ये तो सेम ही हो गया, हाँ तो ठीक है, हाँ यही बोला था शायद। अच्छा तुमने मैसेज किया था क्या इस क्वेश्चन में कुछ ऑप्शंस के लिए, ओके तो ये हो जाएगा, हाँ ए इज लेस देन बी इज ग्रेटर देन ए, ये ऑप्शन एक और मिसिंग था, ठीक है। तो ये वैल्यू जब आप देखोगे तो नीचे में कितना आ जाएगा, 2√2 यहां भी आएगा, 2√2 यहां पर भी आएगा, तो ऊपर में कितना जाएगा, आपने कहा √2 माइनस 2√2 अगर एलसीएम ले रहे हैं, हालांकि √2 ले सकते हैं बट 2√2 अगर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस √6, ठीक है ये हो जाएगा 2 माइनस √6 और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस √2 के बराबर, तो ये बी की ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। पूरा सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही रख रहे हैं। बी की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी sec 45 है, cos 45 1/√2 तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1, अपॉन में cosec 45 ये भी हो जाएगा √2, cot 45 ये हो जाएगा 1। अच्छा दो चीजें, सबसे पहली चीज ये बताओ कि a जो है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो आपने कहा √6 की वैल्यू जो होगी, √4 2 होता है, √5 2 से बड़ा होगा, √6 2 से काफी बड़ा होगा, यानी कि ये वैल्यू कैसी है, निगेटिव, ये वैल्यू निगेटिव है, ठीक है। और जो b है वो कैसा है, √2 माइनस 1 है, तो √2 की वैल्यू 1.4 बड़ी होती है 1 से, आपने बोला ये कैसी है, पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव है, तो आपने कहा b जो है कुछ भी वैल्यू हो, छोटी से छोटी वैल्यू भी हो, निगेटिव वैल्यू से तो बड़ा ही होगा, तो सबसे पहला ऑप्शन ये आ गया कि b इज ग्रेटर देन है। अब दूसरी बात यह है
जब भी इस तरह से होता है ग्रेटर देन और ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या होता है कि ए बी से बड़ा है और दोनों कैसे हैं पॉजिटिव है। इस वाले नंबर का मतलब होता है कि ए जो है वो बी से तो बड़ा है लेकिन दोनों कैसे निगेटिव है, ये बात ध्यान रखना। अगर इस तरह से दिया हुआ है तो इसका ये मीनिंग होता है कि ए जो है वो बी से बड़ा है लेकिन दोनों कैसे निगेटिव है। इसका मतलब होता है ए जो है वो बी से बड़ा है लेकिन दोनों कैसे पॉजिटिव है, क्योंकि यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप बोलोगे बी इज ग्रेटर देन ए और ये ऑप्शन जो है ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, 14th का ए आ जाएगा। ठीक है, बी इज ग्रेटर देन ए ये ऑप्शन नहीं था। ठीक है, ए पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगले क्वेश्चन से आपको कुछ कुछ याद आने लगेगा, हम लोगों ने जो एलजेब्रा पढ़ा था वो हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ेगी। ठीक है, तो देखो साइन एक्स है और कॉसेक एक्स है। कॉसेक एक्स क्या होता है, वन अपॉन साइन एक्स। तो आपने बोला कि ये वैल्यू आ गई साइन एक्स प्लस वन अपॉन साइन एक्स के बराबर। अब आप लोग याद करो कौन सा एलजेब्रा में, जब मैंने आपको मैक्सिमम मिनिमा की फोर्थ क्लास में मैंने आपको सिखाया था मैक्सिमम मिनिमा, तो मैंने आपको बोला था कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इसकी जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, दो है। कब, जब x और y कैसा हो पॉजिटिव हो, और अगर निगेटिव हैंड साइड से भी देखोगे यानी कि अगर दोनों माइनस में निगेटिव वैल्यूज भी होंगी तब भी उस केस में भी जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो माइनस टू है, मतलब इसकी जो ग्राफ है वो कभी भी माइनस टू से प्लस टू के बीच में वैल्यूज अटेन नहीं करता है। तो आपने बोला कि यहाँ पे माइनस टू और ये प्लस टू इसके बीच का कोई भी वैल्यू ये अटेन नहीं करता है, बात क्लियर है ना। तो आपने बोला कि ये माइनस टू से प्लस टू के बीच में कोई भी वैल्यू अटेन नहीं करता है, यानी कि अगर ये कैसा है जीरो से नब्बे के बीच में, यानी कि अगर ये पॉजिटिव है तो प्लस टू या उससे बड़ी वैल्यू आने वाली है। तो आपने कहा बिल्कुल यही होगा, प्लस टू या उससे बड़ी वैल्यू आ जाएगी, डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात यह है कि क्या 90 को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आपने 90 को टच नहीं कर रहा है, क्योंकि 90 को टच नहीं कर रहा है इस वजह से 2 के बराबर नहीं होगा, हमेशा ये कैसा होगा 2 से बड़ी वैल्यू को अटेन करेगा, हमेशा इसका आंसर ग्रेटर देन 2 होगा। 90 डिग्री पर इक्वालिटी का साइन नहीं है इस वजह से ये आंसर आएगा। अब वही बात जो अभी हम लोगों ने पढ़ी है उसी को देख लो। तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की जो वैल्यू होती है अगर कुछ भी नहीं दिया गया सिर्फ ये बोल रहा है कि रियल नंबर है, अगर पॉजिटिव होता तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाती, दो हो जाती अगर पॉजिटिव होता तो। ठीक है, अगर एक्स कैसा है पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू दो है, अगर एक्स निगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस टू है। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीजें पता है तो आप इससे एक चीज ये समझ गए कि एक्स की जो इसका जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से कहां तक आता है, दो तक, और फिर प्लस यहां माइनस टू तक, और ये प्लस टू से यहां पर प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, लेकिन इसके बीच में इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू माइनस दो से प्लस दो के बीच में कोई भी वैल्यू अटेन नहीं करता है। आपने बोला कि कॉस ए जो है ये बोल रहा है इसके बराबर है, और कॉस ए की जो रेंज होती है वो क्या होती है, माइनस वन से प्लस वन के बीच में। तो आपने बोला ये इसके बीच में तो कहीं से भी नहीं आने वाला, यानी कि ये कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकता है, ये क्या हो जाएगा, एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में कुछ भी ट्रू या फॉल्स ये कैसे डायरेक्टली आप बता सकते हो, क्योंकि ये वैल्यूज इसकी रेंज अलग ही लेवल पे, इसकी रेंज उसके बीच में जहां पर वो लाई नहीं कर रहा है, तो आप बोलोगे कि फॉल्स स्टेटमेंट है, ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो। यहां से क्वेश्चन बड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने स्टार्ट होंगे। ये क्वेश्चन है देखो क्या बोल रहे हैं, sec x plus cos x। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, अगर sec x या cos x को x मान लो तो x plus 1 upon x ये वैल्यू कितनी है, 3 के बराबर। अच्छा, tan square x को आपको पता है sec square x minus 1 लिखा जा सकता है, sec square x minus 1 के बराबर लिख सकते हैं ना। ठीक है, और 1 minus sin square x जो होता है वो क्या होता है, cos square x होता है। तो आपने बोला माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो यहां पर दो माइनस आ गए, दो माइनस वन कितने हो जाएंगे, माइनस टू। तो आपने बोला यहां पर एक्स किसको माना था, सेक या कॉस को, तो यहां पर क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ये वैल्यू तो पूछ रहा है, और इसके साथ में क्या है, माइनस का एक दो भी है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, के स्क्वायर माइनस टू, तो तीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, नौ,
एक माइनस टू पहले से ही है, एक माइनस टू और आ गया, आपने बोला इसका आंसर कितना हो जाएगा, नाइन माइनस फोर यानी कि फाइव के बराबर। जो भी चीज आप पढ़ करके आए हो वही चीज है या नहीं, कुछ भी अंतर लग रहा है? आपने x प्लस वन अपॉन एक्स था यहां पर, वहां पर डायरेक्टली दिया होता था कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू, यहां पर थोड़ा बहुत घुमा फिरा करके दिया गया, कुछ भी अंतर नहीं है। ये चीज आपको देखना है, उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, थोड़ा सा कन्वर्जन में टाइम लगेगा, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी वजह से ये जो सीट है वो बहुत बेसिक सीट है, आप इसको जब करोगे तो मजा आएगा। यहां पर लो डायरेक्टली भी दे दिया उसने, कोई चिंता नहीं तुम लोगों को। देखो भाई एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मान रूट थ्री है, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का मान कितना होता है, जीरो होता है। एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का मान के क्यूब माइनस थ्री के, तो k की वैल्यू जब भी रूट थ्री होगी तो k क्यूब थ्री रूट थ्री, और माइनस में थ्री इंटू रूट थ्री करोगे तो ये कितना आ जाएगा, जीरो के बराबर। ठीक है, अब आपको दिमाग में ये सब चल रहा होगा कि कितने सारे और क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, यहां पर अगर माइनस साइन हो जाए वहां पर माइनस साइन पूछ ले, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो फ्रेम किए जा सकते हैं। आपको एक टाइप का क्वेश्चन देखने के बाद ही ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अब ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में आपको एल्जेब्रा में मैंने कराया था, मैंने बताया था जो 10 बाई 3 नंबर है ये एक इंपॉर्टेंट नंबर है। ये कैसे लिखा जाता है, तीन से जैसे डिवाइड करोगे तो तीन त्रिका नौ और बचेगा कितना एक, तो तीन प्लस एक बटे तीन, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर ये रूट में देखो क्या है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, यही फॉर्मेट है। तो मैंने आपको बताया था कि आप इसको कंपेयर कर सकते हो कैसे, रूट में टेन थीटा को या तो तीन के बराबर पुट कर दो या वन बाई थ्री के बराबर पुट कर दो, दोनों ही केसेस में आंसर आ जाएगा। तो आपने कहा टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी नाइन बाई वन। जैसे नाइन बाई वन आया आपने कहा कि यहां पर ये थीटा है तो ये नाइन होगा तो ये वन होगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, नौ का स्क्वायर इक्यासी और एक बयासी के बराबर। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो आपने कहा हाइपोटेनस दोनों में नीचे आता है तो ये रूट 82 हो जाएगा, साइन थीटा में 9 होगा कॉस थीटा में 1 होगा, 9 और 1 10, तो ये आपने बोला 10 बाई रूट 82 के। तो 10 को कैसे लिख सकते हो, 5 इंटू 2 के बराबर, और 2 को कैसे लिख सकते हो, रूट 2 इंटू रूट 2 की तरह। रूट में 82 को कैसे लिख सकते हो, रूट में 41 इंटू रूट में 2, एक रूट टू से एक रूट टू कट जाएगा, पांच बाहर आ जाएगा, रूट में 2/41 यानी कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 19 का बी पार्ट आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, आपने किया होगा तो फिर मजा आया होगा, इस क्वेश्चन को करके बिल्कुल मजा आया होगा, बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आपका वही सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है, कुछ भी अभी तक चेंज नहीं हुआ है। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, इसका मान कितना है, तीन के बराबर। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मान है तीन के बराबर। आपसे देखो क्या पूछ रहे हैं, रूट टेन को अगर आप एक्स मानोगे तो टेन रूट टेन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, और ये मान आपसे पूछ रहा है के क्यूब माइनस थ्री के करोगे, ये आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आपका वैल्यू आ जाएगा 18 के बराबर। बिल्कुल ले सकते हो थीटा 30 या 60 अगर लेना चाहो तो, लेकिन आंसर आएगा क्या उससे, 19 में कहां पे, 30 60 पे तो नहीं सेटिस्फाई करेगा। 10 30 पे लोगे तो 1 अपॉन रूट 3 है, बाहर में एक और रूट 3 है, सेटिस्फाई नहीं करेगा भाई। 19 क्वेश्चन रिपीट करना है, 19 ओके देख लो 19 क्वेश्चन को। 19 क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चन है आपका, एलजेब्रा में हम लोगों ने सेम क्वेश्चन एक किया हुआ था, अगर आप एलजेब्रा वाली सीट वापस से ओपन करोगे तो रिसेंट में मैंने क्वेश्चन एक उसमें कराया था, अच्छा क्वेश्चन था। 10 बाई 3 है मतलब 3 प्लस 1 बाई 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। रूट टेन थीटा को अगर मैं रूट टेन थीटा लिखता हूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन में रूट टेन थीटा के बराबर, इस तरह से लिख सकता हूं ना भी। तो आप टेन थीटा को आइदर इसके बराबर पुट कर लो तो यहां पर रूट टेन थीटा की वैल्यू 3 आ जाएगी, या फिर रूट टेन थीटा की वैल्यू 1 बाई 3 भी रख सकते हो। ठीक है, 1 बाई 3 कैसे रख सकते हो, आप इसको कॉट थीटा के फॉर्म में ब्रेक कर लोगे, कॉट थीटा की वैल्यू 3 आ जाएगी तो टेन थीटा की वैल्यू 1 बाई 3 हो जाएगी। दोनों तरीकों से आप ब्रेक कर सकते हो, आप किसी भी एक तरीके से जब सॉल्व करोगे तो रूट टेन थीटा की वैल्यू अगर 3 है तो टेन थीटा की वैल्यू स्क्वायर कर देंगे 9 आ जाएगा। तो यहां पर अगर आपके टेन थीटा की वैल्यू 9 आ गया तो 9 अपॉन 1 यही होता है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 9 अपॉन 1, तो यहां से हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, रूट में 82। ये अगर रूट में 82 आ जाएगा तो फिर अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस,
कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, सामने वाला एंगल के सामने वाली भुजा अपॉन में जो सबसे बड़ी भुजा है कॉस थीटा, जिसके ऊपर डिपेंडेंट है वो वाली भुजा अपॉन में सबसे बड़ी भुजा, इसको जोड़ दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यूब था, 18 आ जाएगा। क्वेश्चंस तुमने ट्राई नहीं किए, मे बी इस वजह से भी प्रॉब्लम आ रही हो। 20th क्वेश्चन देखो, 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 21st क्वेश्चन पे आ जाओ। 21st क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21st क्वेश्चन पे एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि हम लोग जो बेसिक चीज याद रखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसको वन मानते हैं, तो वन की जगह पर हम लोग इसको पुट कर सकते हैं। जैसे इसको पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये ए माइनस बी का फॉर्म बन जाएगा। तो या तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये दो ही टर्म बन सकते हैं। ठीक है, दो ही टर्म बन सकते हैं ना भैया, तो ये आपका आइदर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होगा या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो कैसे चेक करेंगे कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, तो ध्यान रखना रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, रूट के बाहर पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो आपका जो वैल्यू है वो 0 से 45 के बीच में। आपने कहा 45 पे दोनों बराबर होते हैं, तो 45 भी नहीं टच हो रहा उससे पहले ही, तो उससे पहले क्या होता है, कॉस का ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा होता है, साइन का ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा होता है। आपने बोला कॉस की वैल्यू बड़ी होती है साइन की वैल्यू छोटी होती है, तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं हमेशा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आंसर आएगा, ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21st का ए। 22nd पे आ जाओ, ये हो जाएगा टेन में आपको वैल्यू दी गई है। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, कल मैंने आपको इसको करने के लिए कॉन्सेप्ट बताया था, क्या कॉन्सेप्ट बताया था मैंने कि ये जो वैल्यूज रहेगी यहां पर ये एंगल कितना होता है, जीरो भी होता है, इसी को 360 भी बोलते हैं, 360 को आप जीरो बना सकते हो या फिर 720 को भी आप जीरो बना सकते हो। तो मैंने आपको बताया था कि हर एक 2π यानी कि 2π बोले तो आपका जो भी पाई के साथ में इवन मल्टीपल आया उसको आप जीरो लिख सकते हो। तो आपने कहा इसको जीरो बनाने के लिए इसको मैं क्या 4π के फॉर्म में लिख लूं, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको देखूं तो 4π यानी कि 4π माइनस में पाई बाई 3 इस तरह से लिखा जा सकता है कि नहीं। देखो ये क्वेश्चन बहुत फास्ट किया जा सकता है, लेकिन आप समझना है तो आप एक बार पहले समझ लो। ठीक है, ये कितना है, 4/6 है या 2/3 है, 2/3 तो ये तो डायरेक्टली आपको एंगल दिया गया, कितना एंगल दिया गया, ये हो गया 120 के बराबर। ठीक है, ये 120 हो गया, यहां पर 10 में ये आपकी वैल्यू दी गई है। इसके आगे देखो कॉसेक स्क्वायर में पाई बाई 4 तो ये 45 डिग्री है, डायरेक्ट वैल्यू है। यहां पर देखोगे तो ये कितने 6 और डबल यानी इवन मल्टीपल के फॉर्म में लिखोगे तो 6 × 12 तो 12/2 यानी कि 2π प्लस 5π/6 इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो सभी को मैंने इवन मल्टीपल के फॉर्म में लिखा है, ऑड मल्टीपल के फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इवन मल्टीपल जीरो होता है। तो आपने कहा ये 4π लिखूं या नहीं लिखूं, ये कितना है, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो 0 − π/3 यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव होता है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में 10 60 के बराबर आ जाएगा। यहां पर देखोगे तो माइनस में क्या है, 2 sin है और साइन कितना है, 120 है, तो 90+30 इसको लिख सकते हो, 90+30 साइन पॉजिटिव रहता है तो कॉस 30 आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे देखो माइनस का है 3/4 और कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक 45 के लिए रूट 2 स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 2 के बराबर, प्लस 4 कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर में भी कितना है, 2π को आप कैसे लिख सकते हो, 0 की तरह, 5π/6 मतलब 150, 150 मतलब कॉस में स्क्वायर है, भले निगेटिव होता है लेकिन स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस 30 के बराबर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 30, ये वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर 30 के बराबर। अब देखो टेन 60 कितना होता है, √3, तो ये आ जाएगा √3 और माइनस में आएगा। ठीक है, 22 का आंसर क्या आ रहा है, ए पार्ट आ रहा है, चलो चेक करते हैं। टेन 60 की वैल्यू आ जाएगी √3 माइनस में, कॉस 30 कितना होता है, साइन 60 यानी कि 2√3/2। ठीक है, साइन 60 √3/2, यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस में 3/2। ठीक है, और यहां पर कितना आ जाएगा, प्लस में 4 है और कॉस 30 साइन 60 √3/2 स्क्वायर करोगे तो 3/4 के बराबर आ जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, 3 में से 3 का आधा घटाओगे तो प्लस का 3/2 बचेगा, तो आपने कहा फाइनली कितना बच रहा है यहां पे, प्लस का 3/2। इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस √3 कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2√3 के बराबर,
तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, इसको थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 3 - 4√3/2। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 22 का ए पार्ट, 3 - 4√3/2। बहुत अच्छे मंजीत, बंटी वेरी नाइस, माही शुभम बहुत अच्छे, मीनू रोशन बहुत अच्छा, सभी का आंसर आ गया। ये अच्छा क्वेश्चन था, अगर आप वैल्यूज को चेक कर रहे हो तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करने लायक क्वेश्चन था। सिमिलर क्वेश्चन नेक्स्ट भी है, इसको भी आप करोगे इसी तरह से। देखो 8π/3, 3 का इवन मल्टीपल देखोगे 3 × 6 हो गया, तो आपने कहा 6 तक तो हटा लेंगे, बचा कितना 2, तो 2π/3 यानी 120, तो साइन 120 या फिर कॉस 30, ठीक है इस तरह से लिख लेंगे। यहां पर देखो 6 × 24 यानी कि इवन मल्टीपल 6 × 4 = 24, तो आपने कहा माइनस में कितना आएगा, और कॉस माइनस में कैसा होता है, प्लस ही रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो ये कितना आ जाएगा π/6 यानी कि 30, तो ये कॉस 30 ये भी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहां पर देखोगे तो 4 × 3 = 12, तो ये आपका क्या बचा π/3, तो ये भी कितना हो गया 60, और यहां पर कितना बचेगा साइन में 6 × 6 = 36, तो यहां पर माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा कितना π/6 यानी कि 30 के बराबर, ठीक है। तो ये वैल्यू माइनस में होगी, ये प्लस में होगी, कॉस स्क्वायर 30 यानी साइन स्क्वायर 60, तो ये हो जाएगा 3/4, माइनस करोगे कॉस 60 यानी कि साइन 30 1/2, और ये 1/2 ये 1/4 हो जाएगा, तो आपने कहा इसमें से इसको घटा देंगे तो ये कितना बचेगा 1/2 के बराबर, बिल्कुल 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, 23 का सी पार्ट आंसर आएगा। बहुत अच्छे राहुल, वेरी नाइस, 23 का सी आ रहा है, ओके 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन वैल्यूज का खेल आप लोग अच्छे से एकदम खेल पा रहे हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां पर आपको tan थीटा की वैल्यू दी गई है और कुछ अलग सा एक्सप्रेशन है, तो इसको क्या कर सकते हो, cos थीटा से डिवाइड कर लोगे, जैसे ही cos थीटा से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा 8 tan थीटा प्लस में 5 अपॉन में क्या बन जाएगा cos थीटा से डिवाइड करने पर, तो यहां पर 8 tan थीटा बन जाएगा और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस में 2 है cos थीटा से डिवाइड करोगे तो cos स्क्वायर थीटा बचेगा प्लस में 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब आपने कहा tan थीटा वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहां पर 2 पुट कर दोगे तो ये देखो 2 sin स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, 3 जोड़ोगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा। tan थीटा की वैल्यू 2 है तो 8 × 2 = 16 और 5 21 हो जाएगा, तो 21/5 ये इसका आंसर हो जाएगा, 21/5 ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24th का ए पार्ट, 24th का ए आएगा, सी नहीं आएगा, ठीक है बंटी 24th का देखो सी नहीं आएगा ए आएगा, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, cos थीटा की वैल्यू दी गई है कितनी 1/√5, cos थीटा की वैल्यू है 1/√5, आपसे पूछा 2 tan थीटा माइन अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आपको बतानी। आपने cos थीटा होता क्या है, cos थीटा होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनस, आपने कहा अगर ये रूट 5 है तो ये कितना होगा 2 होगा, अगर ये 2 है तो tan थीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी, tan थीटा की वैल्यू अगर 2 है तो 2 का 2 4, 1 माइनस 4 करोगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 3, तो आपने बोला ये वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 4/3, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है क्लियर है, ओके चलो एक सेकंड का वेट आएगा, बफरिंग होगी उसके बाद। छब्बीसवां क्वेश्चन देखो, 26वां क्वेश्चन के लिए कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ये चीज मैंने आपको बताई थी, इसको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट है। आपका एक बहुत फेमस ट्रिपलेट है जिससे मैक्सिमम ट्रिपलेट्स निकल करके आते हैं, वो क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले सकते हो, तो यहां पर 2ab ले सकते हो, या फिर 2ab को उस साइड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को नीचे ले सकते हो, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया, साइन थीटा है इसकी वैल्यू कितनी है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो आपने कहा अगर ये थीटा मैं मान लू तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, यहां पर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2mn के बराबर, ठीक है तो ये 2mn आ जाएगा। अब आपसे पूछ कर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो 2mn अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा।
और ये कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में ये करेक्टली दिया गया। ठीक है, तो ये एक ट्रिपलेट है जिसकी वैल्यू आप ध्यान रखो हमेशा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में टू ए बी। आपके क्वेश्चन पेपर में कभी भी ट्रिपलेट्स आपको बनाने के लिए नहीं बोलता है, वो अपनी तरफ से ट्रिपलेट्स बना करके देता है, आपको उन्हें पहचानना आना चाहिए कि वो ट्रिपलेट है या नहीं। बहुत सारे लोग ट्रिपलेट बनवाते हैं, वो मुझे नहीं समझ में आता, उसका कोई नीड नहीं होता है, आपको बनाना आ भी जाएगा तो वो आपके लिए कहीं और हो सकता है हेल्पफुल हो, बट एसएससी के एग्जाम में आपको ट्रिपलेट बनाने से ज्यादा ट्रिपलेट पहचानना आना चाहिए। 27 तो अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से आप अगर इसको बनाओगे फिगर तो तुरंत हो जाएगा। साइन थीटा है 8/17, तो आपने कहा यहां पर 8 होगा तो ये होगा 17, तो 8 और 17 है तो आपको ट्रिपलेट पता है 8 15 17, ये थीटा है। अब इसमें क्या बोल रहा है, टेन अल्फा की वैल्यू 15/8, तो 15/8 तो यही अल्फा होना चाहिए। आपने बोला ये थीटा है ये अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री होता है, तो आपने बोला अल्फा और थीटा का सम भी कितना होगा 90 डिग्री, और बोल रहा है कॉस में 90 की वैल्यू बताओ, कॉस 90 कितना होता है 0 के बराबर, तो ये 27 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन है 27, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन देखो। 28th क्वेश्चन क्या है, 2 cos θ + sin θ। ठीक है, यहां पर ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया, 28th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28th क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया, और 28 का रोशन कुमार बहुत अच्छा, 27 क्वेश्चन का आंसर करेक्ट था, 28 का आंसर कैसे निकाला है, बी पार्ट कैसे आया, कैसे इसको सॉल्व किया रोशन, का बी आ रहा है, सभी लोगों निकाल लिया, कैसे निकाला बी, स्क्वायर वगैरह करके निकाला है क्या, 28 नहीं बना, साइन 1 और कॉस 2 लेकर के, साइन को जब 1 लोगे तो थीटा 90 आएगा, जब क्वेश्चन में थीटा 90 मना किया गया तब भी आप थीटा 90 ले रहे हो, ऐसा नहीं करते हैं, कॉस 2 ले लिया, कैसे किया फिर रोशन बताइए, ओके, ओके ओके ठीक, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। देखो आपको मैंने स्टार्ट में बताया था ए साइन थीटा क्लास के प्लस बी, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, और आपको दो चीजें पूछ सकता है, दोनों में से कुछ भी पूछा हो आप यहां पर से अगर देखोगे तो ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, ये वैल्यू अगर आपसे पूछ ली जाए तो ये वैल्यू कितनी होती है, मैंने आपको बताया प्लस माइनस रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो आपने कहा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के बराबर। अगर आपसे यही वैल्यू पूछता तब तो आप ये फॉर्मूला लगाते, लेकिन अगर ये वैल्यू नहीं पूछ रहा है तब आप ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे, ऐसा नहीं है, आप इसको याद रखोगे और कई बार साइन और कॉस के साथ कुछ अलग अलग नंबर्स मल्टीप्लाई करके दे देगा, तब भी आपको इसी फॉर्मूले पर आना है, वापस आना है। देखो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, वो देखो भाई, आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, वैल्यू कितनी दी गई है 1, साइन के साथ कितना है 1 है, कॉस के साथ कितना है 2 है, तो ये क्वेश्चन आपका बन गया ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो आप क्या लिख सकते हो, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, तो आपने कहा ये वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, माइनस सी स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, तो ये प्लस माइनस 2 के बराबर आ जाएगा। आपने बोला कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 2 के बराबर है, अब आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, कैसे, ऊपर वाले में 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 sin θ + 4 cos θ बराबर में 2 के बराबर आ जाएगा। अब देखो दो वैल्यूज यहां पर आएंगी प्लस माइनस 2 की वजह से, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 sin θ से 2 sin θ तो कट जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा 5 cos θ, एक बार अगर माइनस 2 जब मैं लेकर के जोड़ूंगा तो 0 आ जाएगा, तो cos थीटा की वैल्यू 0 यानी थीटा 92 जो कि हमें नहीं लेना है, तो ये माइनस वाला साइन ना लेकर के प्लस वाला लेंगे तो ये आ जाएगा 4। अब देखो cos थीटा की वैल्यू अगर 4/5 है, cos थीटा की वैल्यू 4/5 है, तो आप डायरेक्टली देख करके बताना चाहोगे कि sin थीटा की वैल्यू कितनी हो 3/5, ऐसा बोलना चाहोगे,
लेकिन जो इक्वेशन है उसमें सेटिस्फाई करने के लिए आपको पता है कि कॉस की वैल्यू पॉजिटिव दो क्वाड्रेंट्स होते हैं, एक फर्स्ट और एक फोर्थ। तो आप ध्यान रखना कि यहां पर भी कॉस पॉजिटिव होता है और यहां पर भी पॉजिटिव होता है, तो हम ऐसा कुछ डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, क्योंकि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो साइन की वैल्यू 3/5 आती, लेकिन ये 3/5 सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो आप क्या बोलोगे कि इसकी दूसरी वैल्यू क्या आएगी, -3/5। ठीक है, ये -3/5 आएगा क्योंकि स्क्वायर्स का सम 1 होना चाहिए, तो ये -3/5 आएगा। तो अब ये सेटिस्फाई करेगा, आपने कहा साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू ये है, चेक कर लेते हैं। आप कहोगे 2 cos थीटा, एक सेकंड यहां पे कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू -3/5, तो 2 cos थीटा करोगे तो यहां पर सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, 4/5 और -3/5। चार और एक पांच, 4/5, ये कितना हो जाएगा 8/5 और -3/5। हाँ नहीं, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, ये करेक्ट है वैल्यूज। ठीक है, चेक जरूर कर लेना है कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अच्छा, कोफिशिएंट बताया था तो फिर ठीक है, फिर सही है। ओके ओके, मुझे लगा कि वैल्यूज को जैसे ही जीरो पे सेटिस्फाई कर जाता है, सॉरी 90 पे, थीटा 90 पे सेटिस्फाई कर रहा है, स्क्वायर करके बनाया था, वो लेंदी हो जाता है, वो भी प्रोसेस है, लेकिन वो बुक्स का है, 12th की बुक्स का प्रोसेस यही था। अब देखो, अब प्रोसेस आपका चेंज हो जाएगा, तो आपने कहा कि ये वैल्यू इस तरह से आ जाएगी, यहां से कॉस थीटा की वैल्यू 4/5, साइन थीटा की वैल्यू -3/5 आ गई। आपसे क्या पूछ रहा है, 7 cos थीटा, तो 7 × 4 करोगे तो ये 28/5 आएगा, और 6 sin थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, -18/5, और घटाओगे तो कितना बचेगा, 10/5 आ जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10/5 यानी कि 2। ओके क्लियर है, तो ये इसका आंसर 2 आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे आशीष, आपने भी सेम चीज बोली थी, मुझे लगा साइन इक्वल टू 1 आपने बोला, कोफिशियंट नहीं लिखा था, इस वजह से मुझे लगा साइन का थीटा अगर आप ले रहे हो, ठीक है, साइन 0 -2 cos 0, बहुत अच्छे रोशन, बहुत बढ़िया। आप इसको, ये मैंने कौन सा लिखा, ए साइन थीटा -B cos थीटा वाला टर्म लिखा, आप इसको B sin थीटा -A cos थीटा से भी कर सकते थे, दोनों तरीकों से करोगे सेम आंसर आएगा, आपको बस किसी भी एक तरीके से स्टार्ट करना है क्वेश्चन को करना। देखो इसको देख करके एक चीज तो समझ में आ गई थी कि A²B²C² यानी कि ट्रिपलेट फॉर्म नहीं हो रहा है, ना ही आपको ये दिख रहा था कि कोई भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस है या फिर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस वाले से कुछ बन पाएगा, उससे भी नहीं बन रहा था। तो आपको यहां पर यह समझना था कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करने का जो सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है वो यही है। एक बार फिर से देख लो, एक चीज ये कि A²+B²=C², ये भी नहीं है यहां पर, क्योंकि A² और B² का सम ज्यादा हो जाएगा, तो आपने कहा ये वाला फॉर्म हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा फॉर्म कौन सा था, आपने कहा कि ये कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये भी तरीके से नहीं बन पाएगा क्योंकि हाइपोटेनस नंबर नहीं है नीचे। ठीक है, तो आपने कहा इसको कैसे किया जाए, तो इसके लिए मैंने क्लास के स्टार्टिंग में, अभी अगर आप देखोगे तो यहां पर 2 फॉर्मूलाज डिस्कस किया था, A sin थीटा + B cos थीटा, अगर इसकी वैल्यू सी के बराबर गिवेन हो तो A cos थीटा - B sin थीटा, ये वैल्यू कितनी आती है, ये वैल्यू आपकी आती है x के बराबर, और इसी तरह से एक और भी वैल्यू होती है जो x के बराबर आएगी, वो क्या होती है, अगर आप लिखना चाहो तो B sin थीटा - A cos थीटा, ये भी वैल्यू एग्जैक्टली x के बराबर आएगी। ठीक है, A cos थीटा - B sin थीटा, ठीक है, आप चाहे तो ये लिखो A cos थीटा - B sin थीटा या फिर B sin थीटा - A cos थीटा, और ये वैल्यू अगर 1 के आपको x के बराबर है तो x का मान आपको याद रखना है कितना होता है, प्लस माइनस में रूट में A²+B²-C² के बराबर। ठीक है, इसका हम लोगों ने यूज किया सॉल्व करने के लिए। आपने कैसे सॉल्व किया, आपने कहा कि A cos थीटा, a कितना था, 1 था, साइन का कोफिशियंट 1, तो A cos थीटा - B sin थीटा ये लिख देंगे, इसकी वैल्यू +-2 आ गई। यहां वाली इक्वेशन में अगर 2 से गुणा कर दें तो साइन से साइन का कोफिशियंट सेम हो जाएगा, जोड़ करके घट जाएगा,
तो आपने बोला जैसे ही इसको जोड़ा तो 2 साइन थीटा होगा, जैसे जोड़ेंगे ये कट गया। तो यहां पे वैल्यू 4 कॉस थीटा प्लस 1, 5 कॉस थीटा। यहां पर प्लस 2 भी ले सकते थे, माइनस 2 भी ले सकते थे। जोड़ने पर आपने कहा कि एक बार जीरो बनेगा यानी 90, तो थीटा 90 नहीं हो सकता। इस वजह से 2 और 2 ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बिल्कुल, तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा, 5 cos थीटा की वैल्यू 4, तो cos थीटा की वैल्यू 4/5, sin थीटा की वैल्यू -3/5। ठीक है, cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू आपको इस तरह से निकालनी है कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जैसे ही आप ऐसी वैल्यू निकाल लोगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, आगे का क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया बात। 28th क्वेश्चन हो गया, सभी को समझ में आया, किसी को डाउट तो नहीं है? हाँ, क्वेश्चन में जो भी दिया गया है आप ऐसी वैल्यूज निकाल रहे हो जो उसको सेटिस्फाई करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 29th क्वेश्चन देखो, 29th क्वेश्चन को भी आप करने को चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला जो मैंने आपको सिखाया उससे कर सकते हो, बट यहां पर उस फॉर्मूले को नहीं करके अगर आप दूसरा वाला मेथड अप्लाई करोगे तो फास्ट होगा। आपको जब भी ये तरीके जो सिखाए गए हैं ना वो थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, बाकी जो फॉर्मूला है वो हमेशा अप्लाई होता है। आप यहां पर भी अप्लाई कर सकते हो, प्लस माइनस, यहां पर 1 आ जाएगा तो प्लस 1 आ जाएगा, माइनस में 23 का स्क्वायर करोगे 529, 17 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 289। तो ये वैल्यू आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का आंसर आ जाएगा, लेकिन वैसे ना करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो साइन थीटा क्या होता है, यहां पर आपका वो वाला भी फॉर्म नहीं वर्क करेगा, जो फॉर्म वर्क करेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, प्लस कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, अब अगर इसको मैं कभी भी जोड़ूंगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को, तो हाइपोटेनस जो है वो तो कॉमन आने वाला है नीचे, ऊपर में क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर प्लस बेस आ जाएगा। अब आप एक चीज ये बताओ कि हाइपोटेनस आपका फिक्स है और यहां पर वैल्यू कितनी है, 17 है। तो मैंने कहा कि इस तरह से अगर ट्रिपलेट में देखूं तो यहां पर ये क्या है, 17 है, हाइपोटेनस 17 हो गया, और परपेंडिकुलर और बेस का सम कितना है, 23 है। तो आप 17 कहां कहां पर आता है ये बताओ, 8 15 17 होता है, और देखो 15 और 8 का सम कितना होता है, 23 होता है। तो आपने कहा बिल्कुल यहां पर सेटिस्फाई कर रहा है 8 15 17 पे, तो आपने कहा 8 15 17 पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो साइन थीटा की वैल्यू आप बता सकते हो 15/17, कॉस थीटा की वैल्यू 8/17। अगर मैं यहां से थीटा लेता हूं तो आप दोनों वैल्यूज बता सकते हो आसानी से। जैसे ही आप 8 15 17 पे आ गए, इसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आसानी से आप कर सकते हो। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, आपने कहा साइन थीटा कितना है 15, कॉस थीटा है 8, 15 माइनस 8 करोगे तो 7 आने वाला है, प्लस माइनस के साथ आ जाएगा, तो आपने कहा प्लस माइनस के साथ 7/17, ये इसका आंसर हो जाएगा। 8 15 17 का ट्रिपलेट आपको फॉर्म करना था बस, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सभी को समझ में आ रहा है? ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ट्रिपलेट नहीं फॉर्म होगा तो फिर से वही तरीका है, लेकिन अगर आप ट्रिपलेट कुछ भी फॉर्म कर पा रहे हो तो फिर कुछ और तरीका लगाना सही नहीं है। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में ट्रिपलेट फॉर्म हो गया तो हम लोगों ने बना लिया। यहां पर देखो आपको हाइपोटेनस आपका 19 कब होता है, 19 के साथ हाइपोटेनस का कोई भी ट्रिपलेट याद है, तो 19 के साथ कोई ट्रिपलेट नहीं फॉर्म होता। तो इस केस में क्या करोगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा निकालने के लिए फिर से वापस से फॉर्मूले पे आ जाओगे। तो वापस से फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस रूट में ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर, 26 का स्क्वायर 576, 19 का स्क्वायर 361, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो सॉल्व करोगे 361 का डबल कर दोगे 1 प्लस 1 2, तो ये कितना हो जाएगा 36 × 72 722 माइनस 576 डिवाइडेड बाई 361, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की अपॉन में आपने बोला 19 आएगा, अपॉन में 19 दो ऑप्शंस में है। यहां पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 46 या 47 तो नहीं आएगी, थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी, 12 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 6, और यहां पर 11 बचेगा, 11 में से 7 जाएगा, ये आएगा 4, 6 में से 5 जाएगा, तो रूट में 146 आएगा, 26 का स्क्वायर 676, ओके ओके 676 हो जाएगा, तो यहां पर 676 होगा, 24 का स्क्वायर 576 रहता है, 26 का 676 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, अच्छा 100 कम हो गया तो ये ठीक है, हाँ तो 46 आ जाएगा, तो ये 46 आपका आंसर हो जाएगा, ए पार्ट आ जाएगा। ठीक, 24 का 576, 26 का 676, बिल्कुल छोटा सा नंबर का हेर फेर हो गया, तो 722 से 676 होगा डिफरेंस आपका, कितना आ जाएगा रूट 46 के बराबर। ठीक, 46 आ जाएगा, 30th का ए पार्ट, बिल्कुल ओके। 31st पे आ जाओगे, 31st देखो
31st से जो क्वेश्चन है वो आपका थर्ड टाइप जो मैंने सिखाया था वो वाला टाइप है। थर्ड टाइप कौन सा था? जब आपको ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर में आपको क्या दिया हो, सी के बराबर दिया हो, जहां पर ए बी और सी ये कैसे फॉर्म कर रहे हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी कि ये एक ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा। अगर ये ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं तो आप सी से जब डिवाइड करोगे तो यहां पर देखो क्या बन जाएगा, ए अपॉन सी साइन थीटा प्लस बी अपॉन सी कॉस थीटा बराबर में वन के, और इसको हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा से, और ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, वन के। तो यहां पर आप साइन थीटा की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हो, कितना साइन थीटा की वैल्यू लिख सकते हो ए बाई सी कॉस थीटा की बी बाई सी। अच्छा 12, 35, 37 आपके एक ट्रिपलेट फॉर्म करता है, तो आपने कहा यहां से साइन थीटा की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कितना आ जाएगा 12/37, और कॉस थीटा की वैल्यू भी डायरेक्टली लिख सकता हूं 35/37। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 35 साइन थीटा माइनस 12 कॉस थीटा, माइनस का 12 इसमें जब करोगे तो 12 और 35 सेम आ जाएंगे, जोड़ने पर कितना हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा, 31st का ए पार्ट आंसर आ जाएगा। ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है, बिल्कुल इजीली ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखो ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है, 7, 24, 25 आपने कहा 7, 24, 25 ये भी ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है, तो इस केस में भी डायरेक्टली आप बता सकते हो साइन स्क्वायर थीटा रहता है, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24/25, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 7/25 के बराबर। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 7 sin theta + 24 cos theta, तो 7 sin theta यानी कि 24 × 7 करोगे, प्लस में है 24 cos theta, तो 24 × यहां पर भी 7 आ जाएगा, और अपॉन में क्या रहेगा 25 ही रहेगा, तो 24 × 7 से करोगे और इसको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 7 sin theta है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24/25, 336 आ रहा है, 140 और 728 ये कितना हो जाएगा 168, तो 8 × 16 336 by 25 ये इसका आंसर हो जाएगा, 168, 16 × 32 8 × 16 तो 336 के बराबर हो जाएगा। ओके अगला क्वेश्चन भी देखो, ये भी ट्रिपलेट है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर अगर दिया गया है तो ये आपका क्या है, ये भी एक ट्रिपलेट है, आपने बोला अगर ये भी एक ट्रिपलेट है तो इस केस में आपको जो भी वैल्यू पूछी गई है किसकी, टैन थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है, आसानी से बता सकते हो आप, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू आप बता सकते हो, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2ab अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो टैन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन अपॉन कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ab, 33 का ए पार्ट आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छे, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो यहां पर अब आपको चेक करने की नीड नहीं है, ठीक है, जब आप इतना इस तरह से क्वेश्चंस को देखने लगोगे तो अब आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि जब भी ये फॉर्मेट इस तरह से दिया हो, जब भी इस तरह का फॉर्मेट आपको बना करके देना चाह रहा है तो बेसिक से उसका मीनिंग यही रहता है कि यहां पर ये ट्रिपलेट फॉर्म होगा ही होगा। ठीक है, तो इसमें अब आपको बहुत ज्यादा चेक करने की नीड नहीं है, डायरेक्ट आंसर्स लिखोगे, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√a अपॉन में कितना आ जाएगा 1+a, इसी तरह से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 - a अपॉन में 1+a। ठीक है, तो ये आ गया साइन थीटा, ये आ गया कॉस थीटा, कॉट थीटा पूछ रहा है तो कॉस अपॉन साइन कर दोगे 2√a अपॉन में 1 - a, तो डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा 34 का। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी सेम टाइप है, थोड़ा सा इसको आप देखना, ये भी सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन है देखो, यहां पर इज इक्वल टू 1/ab है, 35th क्वेश्चन को देखो, 1/ab है, अगर मैं ab से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे क्वेश्चन में तो ये क्या बन जाएगा, बी साइन की पावर 4a बनेगा, प्लस में यहां पर क्या बन जाएगा a कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है, और ये वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर होगी। ठीक है, ए बी से मैंने गुणा कर दिया, तो आपने बोला कि ये वैल्यू अगर 1 होगी और ये वैल्यू भी जब 1 होगी तभी ये 1 के बराबर होगा, तो आपने कहा चेक कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आएगी 1/b, और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 1/a के बराबर। ठीक है, तो आपने कहा साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1/a और 1/b की तरह आ रही है,
ठीक है। अब ये चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप इसको यहां पर पुट कर सकते हो, तो साइन की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन बी में है, तो 1 अपॉन कुछ इस तरह की वैल्यू फॉर्म होगी, ठीक है। और जब ये 1 होगा तभी ये बराबर होगा, तो इससे मैं तो चेक नहीं कर सकते हैं, एक ही इक्वेशन है, तो ऐसा मान करके चलते हैं कि ये जब भी 1 होगा तो ऑब्वियस बात है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बचेगा, सम 1 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, साइन स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 अपॉन बी, और कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन ए के बराबर आ गई, ओके। अब देखो फिर आगे कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, आपको क्वेश्चन में पूछा है साइन की पावर 8 है, तो साइन की पावर 8 का मतलब क्या होता है, आपने कहा साइन की पावर 8 का मतलब इसका पावर 4 टाइम्स करेंगे, तो इसका पावर 4 टाइम्स करेंगे तो यहां पर 1 अपॉन बी की पावर भी कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, और वहां पर क्या है ए क्यूब है, तो इस तरह से आ जाएगा, प्लस इसी तरह से नेक्स्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी क्यूब है, और कॉस की पावर 4 करेंगे, 4 टाइम्स इसको इंक्रीज करेंगे, तो ये 1/4 होगा। तो नीचे में आप अगर कॉमन लेना चाहोगे तो क्या कॉमन ले सकते हो, तो आपने कहा ए क्यूब और बी क्यूब तो कॉमन है, ठीक है, ए क्यूब बी क्यूब 1 अपॉन में कॉमन ले सकते हैं, तो अगर मैं 1 अपॉन में ए क्यूब बी क्यूब कॉमन लूंगा तो देखो क्या बचेगा, यहां पर 1 अपॉन बी 1 अपॉन ए, तो ये ए बी और ऊपर में ए प्लस बी, इस तरह का फॉर्मेट बनेगा, तो ये फॉर्मेट तो कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4 है, तो साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4 है, तो यहां पर ये सेम फॉर्मेट तो कहीं पर भी नहीं बन रहा है, तो इसका आंसर अगर लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब बी क्यूब, या फिर ए की पावर 4 बी की पावर 4, और ऊपर में क्या आएगा ए प्लस बी, ठीक है। तो ये ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है, तो एक ऑप्शन बना लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, इसको आप बना लो, ये हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन में ए की पावर 4 बी की पावर 4, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए की पावर 4 बी की पावर 4 एलसीएम ले लोगे तो यहां पर ऊपर में ए और यहां पर ऊपर में बी आ जाएगा, ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, तो ये इसको इस तरह का आंसर इसका आएगा, ठीक है। 35th क्वेश्चन में और कुछ इसमें कर सकते हैं क्या, ए बी से जैसे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पर बी आ गया, हमने बोला यहां पर ए आ जाएगा, वैल्यू 1 हो गई, तो ये जब 1 होगा तब ये सेटिस्फाई करेगा, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 अपॉन बी, ठीक है, क्या यही आ रहा है, ठीक है, तो यही इसको आना भी चाहिए, तो 35th का ए पार्ट आंसर हो जाएगा। चलो इसी तरह का और भी क्वेश्चन है, इसमें एक और क्वेश्चन है इसी तरह का, इसको भी देख लो, यहां पर क्योंकि वैल्यूज हैं तो आप इसको चेक कर पाओगे एक ही बार में, ठीक है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप एक ही बार में चेक कर पाओगे कैसे, देखो 24 है, 15 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 8/5, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस यहां पर 40 है, 15 से डिवाइड करोगे 5 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 8/5, यहां पर 3 से कटेगा तो ये आपका कितना आएगा 8/5, यहां पर भी आएगा, और यहां पर 5 से कटेगा तो 8/3 आएगा यहां पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/3 कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। रोशन क्या कह रहा हूं, 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1, वन अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी की वैल्यू 1 आनी चाहिए ना, सम उसका 1 आना चाहिए, तो सम 1 के लिए इसको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आना चाहिए, तो ये आपका क्या बन जाएगा ए प्लस बी अपॉन में ए बी, ये वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए ऐसा, ये एक और इससे कंक्लूजन निकल सकता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होना चाहिए, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी की वैल्यू 1 होना चाहिए, तो ए प्लस बी अपॉन ए बी की वैल्यू अगर 1 है तो उस केस में कुछ और आंसर हो सकते हैं, तो 1 अपॉन में ये आपका ए क्यूब बी क्यूब भी आंसर हो सकता है, क्योंकि अगर इतने पार्ट की वैल्यू 1 है, आई थिंक इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ मिसिंग है, कुछ पार्ट थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि ये इसी से हम लोगों ने निकाला है, तो 1 होना चाहिए, और बाकी
अगर a प्लस बी अपॉन ए बी की वैल्यू 1 है तो फिर यहां पर आपका जो आंसर है वो भी और तरीकों से भी लिखा जाता है। a प्लस बी अपॉन ए बी के फॉर्म में लिखोगे तो ये 1 हो जाएगा, तो इसको 1 अपॉन ए क्यूब बी क्यूब के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो काफी कुछ इसमें बनाया जा सकता है। ठीक है, ओके इस क्वेश्चन में आ जाओ। देखो यहाँ पे वैल्यूज हैं तो आप क्लियरली इसको चेक कर पाओगे कि साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/8 आ जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 है। तो यहां से साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/8, तो आपने कहा साइन स्क्वायर अल्फा 5/8। इसी तरह से कॉस स्क्वायर अल्फा कितना आ जाएगा, 3/8 के बराबर आ जाएगा। अब देखो आप इनको सम करने पर ये 1 बन जा रहा है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 5 और 3 8/8 यानी कि 1 बन रहा है। तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा आपने का बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा अगर आपने निकाल लिया तो आपको ये पता चल गया कि आपने एक ट्रिपलेट भी फॉर्म कर लिया। कौन सा ट्रिपलेट है, यहां पर √8 आ जाएगा, साइन अल्फा है, अगर यहां से अल्फा लेता हूं तो ये √5 होगा और ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, तो √3 √5 √8 हो गया। अब आपको टेन अल्फा की वैल्यू बतानी है तो ये कितनी होगी, √5/3। स्क्वायर करोगे तो 5/3 आएगा, क्यूब करोगे तो 125/27 आएगा। मल्टीप्लाई करना है 54 से तो यहां पर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। कॉसेक की वैल्यू कितनी होगी, अपने का कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन में सॉरी हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, √8/√5। √8/5 स्क्वायर करोगे 8/5, क्यूब करोगे तो 8 का स्क्वायर 512, 5 का स्क्वायर 125। 125 से गुणा कर रहे हैं तो ये कट जाएगा, तो 512 और आपको यहां पर कितना उसमें 250 उसमें जोड़ना है, तो ये आप 250 उसमें जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 762 के बराबर। ठीक है, 36 क्वेश्चन का 762 आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 sin की पावर 4 theta + 3 cos की पावर 4 theta = 2। ठीक है, और आपको क्या पूछ रहा है, बताना है 7 cosec, इस तरह से बताना है। इसको भी आप कर सकते हो, यहां पर देखो 2 से जब डिवाइड होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/3 के बराबर। ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 के बराबर। तो इनका सम देखो 1 बन रहा है, इनका सम कितना है, 1 के बराबर है। तो अब आप इसको कर सकते हो आगे का, आप इसको कैसे करोगे, 7 cosec की पावर 6 theta, तो cosec क्या होगा, साइन स्क्वायर है तो cosec स्क्वायर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्यूब करोगे तो 27 इंटू में यहां पर कितना है 7 है प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा है, sec स्क्वायर थीटा 3/2 हो जाएगा, क्यूब करोगे तो 3 का क्यूब 27 और यहां पर कितना हो 2 का क्यूब 8, तो 8 से 8 कट जाएगा। तो आपने कहा इनको जोड़ना है, तो इनको जोड़ना है तो 27 कॉमन ले लोगे तो 7 और 1 8 हो जाएगा। क्यूब रूट लेना है तो बाहर में कितना आएगा, 2 × 3 आ जाएगा यानी कि 6 के बराबर। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 37 का सी पार्ट आंसर हो जाएगा, 37 का 6 आ जाएगा। ओके चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 38 क्वेश्चन देखो क्या है, ये क्वेश्चन भी काइंड ऑफ सिमिलर ही है। ठीक है, देखो साइन आपको स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को फोकस करना है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। तो आपने कहा इसमें साइन स्क्वायर अल्फा के साथ में क्या कुछ लिखा हुआ है, इसके साथ में लिखा है साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, ये इस तरह से लिखा हुआ है एक्स्ट्रा टर्म। प्लस में यहां पर देखोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा है और इसके साथ में क्या कुछ लिखा हुआ है, तो आपने बोला इसके साथ में लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में कॉस स्क्वायर बीटा की, ये इस तरह से लिखा हुआ है। तो आपने कहा ये वैल्यू कैसे होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए तभी कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा 1 आएगा। तो आपने बोला ये वैल्यू 1 तभी होगी जब कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा के बराबर हो, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा के बराबर हो। आपने कहा कि ये वैल्यू आपस में बराबर कब होती है, जब अल्फा और बीटा बराबर हो, या फिर अगर एक वैल्यू गेस करनी है तो 45 पे ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, या तो आप अल्फा और बीटा ही बराबर कर लो, तो आपने कहा अल्फा और बीटा बराबर कर लेते हैं। अल्फा और बीटा अगर बराबर कर देंगे तो देखो साइन साइन के बराबर होता है कॉस कॉस के, तो अल्फा और बीटा या तो बराबर या 45 रख सकते हैं। बराबर रखने पर देखो यहां पे कॉस स्क्वायर अल्फा या बीटा, साइन स्क्वायर अल्फा या बीटा, तो इसकी वैल्यू भी कितनी 1 के ही बराबर आ जाएगी। ठीक है, अल्फा बीटा 0 डिग्री रखोगे तो बीटा यहां पर 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, 1/0 तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, तो 0 पर नहीं, 0 और 90 थोड़ा सा रखने से बचना है, क्योंकि सबसे ज्यादा अनडिफाइंड जो केसेस बनते हैं वो 0 और 90 पर ही बनते हैं, तो 0 और 90 नहीं रखना। यहां पर देखो तो 45 रख सकते हो, नहीं तो रखने की नीड ही नहीं है, डायरेक्टली अल्फा और बीटा आपस में इक्वल है, कट करके साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा 38 का। ठीक है, ए पार्ट आ जाएगा।
इसी तरह से 39 तक आ जाओगे, 39 से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। देखो ये आपका क्वेश्चन है, एंगल सी कितना दिया गया, 90 डिग्री के बराबर है। एंगल जो सी है वो 90 डिग्री है। इसके बाद बोल रहा है ए बी जो है, अगर मैं इस साइड ए मानता हूं तो ए बी की लेंथ कितनी है, सी है, ठीक है, और ए बी की लेंथ सी है। यहां पर अगर ये बी मान लो तो ए बी की लेंथ कितनी है, सी के बराबर है। बी सी की लेंथ कितनी है, ए के बराबर है। और ए सी की लेंथ कितनी है, बी के बराबर है। आपको फाइंड आउट करना है कॉसेक बी माइनस कॉसेक बी माइनस कॉस ए। तो आपने कहा कॉस ए की वैल्यू कितनी होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा बी बाई सी। और कॉस ए कॉसेक बी, कॉसेक मतलब कितना होता है, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो सी अपॉन बी, तो ये आ जाएगा सी अपॉन बी। तो आपने कहा इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आपकी ये वैल्यू आ जाएगी अपॉन में कितना आ जाएगा, बी सी, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो सी स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो आपने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, तो बी स्क्वायर इससे कट जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन में बी सी के बराबर आ जाएगा। ए स्क्वायर अपॉन बी सी कहां पर है, सी पार्ट में है। ये इसका आंसर हो जाएगा 39 का, 39 क्वेश्चन। जिन भी बच्चों ने कल की क्लास में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस सही मन से करी होगी, ये सीट बहुत आसान थी उनके लिए, एकदम आसानी से आपने कर ली होगी। एक दो चीजें छोटी मोटी कहीं कहीं पर अगर मिस हुई होगी तो हुई होगी, या वैल्यूज वगैरह निकालने पर प्रॉब्लम आई होगी, बाकी आसानी से आपने कर लिया होगा, ठीक है। 48 क्वेश्चन देखो, इसको देखते ही आपको एक चीज ध्यान आएगी जो आपने एलजेब्रा में पढ़ा हुआ है, क्या ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और यहां पर कितना है, माइनस 3abc, इस तरह से है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको देख करके सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए, साइन ए प्लस कॉस बी प्लस टेन सी, इसकी वैल्यू सबसे पहले चेक करो। अगर ये बराबर जीरो के हुआ तो डायरेक्टली आंसर जीरो आ जाएगा। तो आपने कहा साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, टेन में 135 है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो टेन 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। आपने कहा ये माइनस का वन आएगा, 1/2 वन माइनस वन, तो आपने कहा ये कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर। अगर ये जीरो है तो आपने कहा कि ओवरऑल क्वेश्चन का भी सोल्यूशन कितना होगा, जीरो के बराबर होगा, ठीक है। चलो फिर से थोड़ा सा वेट करना है, नेक्स्ट लैब में स्टार्ट करते हैं बचे हुए 10 क्वेश्चंस को। 41st क्वेश्चन देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है, रूट टू में साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि कॉस थीटा। तो कॉस थीटा अगर एक साइड लेकर के जाओगे तो साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, रूट टू माइनस वन कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। यहां से आपको डायरेक्टली टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, ये कितनी मिल जाएगी, रूट टू माइनस वन के बराबर, ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू रूट टू माइनस वन, लैब चेंज की वजह से बफरिंग होता है रोशन। टेन थीटा की वैल्यू रूट टू माइनस वन आ गई, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन अपॉन में आ जाओगे, ये हो जाएगा रूट टू प्लस वन के बराबर, ठीक है, ये आपका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। कॉट थीटा की वैल्यू रूट टू प्लस वन हो जाएगा। अब अगर टेन थीटा और कॉट थीटा की ये वैल्यूज आपको मिल गई है, तो इसके बाद अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कॉट थीटा की वैल्यू ही पूछ रहा है, तो ये आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है। 41 का सी, 42 पे आ जाओगे, ये क्वेश्चन भी आसान है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू वन होता है, तो आपने कहा इस 9 को मैं 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिख सकता हूं, तो 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा। आपने बोला ये 5 हो जाएगा उस साइड जाएगा, तो 8 में से 5 घटेगा 3 बचेगा, और ये वैल्यू किसकी होगी, 4 साइन स्क्वायर थीटा की। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4, और वो भी कैसा, अंडर रूट में, ठीक है। तो आपने अंडर रूट लेंगे तो ये कितना, 3/2, रूट 3/2 की वैल्यू, यानी थीटा कितना हो जाएगा 60, यानी कि पाई बाई 3 के बराबर हो जाएगा। 42 में एंगल पूछ रहा है, बी आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है अल्फा जो है वो 0 से 2 पाई यानी कि 360 के बीच में इस तरह से है कि कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है, रूट टू है। तो कॉस अल्फा की वैल्यू 1/√2 अगर है, तो आपने बोला ये कब कब होता है, दो केसेस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। बोला टेन अल्फा जो है वो निगेटिव है, तो टेन अल्फा आपने बोला निगेटिव है, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि हम लोगों को फोर्थ क्वाड्रेंट में वर्क करना है।
फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे तो आपसे पूछ रहा है साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा और डिवाइडेड बाई टू टेन अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा। तो आपने बोला साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो वन बाई रूट टू ही आएगी, लेकिन माइनस साइन के साथ। और कॉसेक अल्फा की वैल्यू ये भी रूट टू आएगी लेकिन माइनस साइन के साथ। और इसी तरह से अपॉन में देखोगे तो टू टेन अल्फा, टेन अल्फा की वैल्यू 45 पे है। यहां पर देखो अल्फा एक तरह से क्या 45 है लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट का 45, यानी कि वैल्यू कैसी होगी माइनस में आएगी। तो आपने कहा टेन की वैल्यू भी माइनस में दो आएगी और कॉट स्क्वायर अल्फा ये भी वन आती है लेकिन माइनस के अंदर में है स्क्वायर तो ये भी वन ही रहेगा, माइनस थ्री हो जाएगा। तो ये वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, रूट टू ऊपर में आएगा तो ये हो जाएगा वन प्लस टू बाई रूट टू, और इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं माइनस में, इस तरह से थ्री से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां पर भी माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तीन से ये तीन आपका कट जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी वन अपॉन में रूट टू आएगा, इसकी वैल्यू 43 का कितना आ रहा है, 43 का डी आ रहा है क्या, वन अपॉन में रूट टू आएगा इसकी वैल्यू। देखो यहां पर अगर मल्टीप्लीकेशन का साइन हो तो आपका आंसर कुछ बदल सकता है, जैसे कि अगर यहां पर मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये कितना हो जाएगा, अगर मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये हो जाएगा थ्री अपॉन में रूट टू और इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस का माइनस से तो ये प्लस का नाइन अपॉन में रूट टू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लीकेशन है तो नाइन अपॉन रूट टू आंसर हो जाता, लेकिन मल्टीप्लीकेशन नहीं है 43 का, यहां पर डिवीजन है, ये डिवीजन है लेकिन ये मल्टीप्लीकेशन ही शायद होगा क्योंकि आंसर इसका ऑप्शन में है नहीं, तो यहां पर मुझे लग रहा है ऐसा डिवीजन रहा होगा, मल्टीप्लीकेशन रहा होगा, डिवीजन का साइन गलती से बन गया। ठीक है, वैसे वन अपॉन रूट टू आएगा बट यहां पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो मल्टीप्लीकेशन कर देना ज्यादा ठीक लग रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, बाकी वैल्यूज तक आपको पता है या फिर इसके ऑप्शंस को करेक्ट कर लिया जाए, चलो जैसा भी होगा देखते हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में नाइन अपॉन रूट टू आंसर आ जाएगा, वो भी प्लस का आएगा, दोनों क्योंकि माइनस के बनेंगे तो मल्टीप्लाई होकर के प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन 44, ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ा था, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई करते जाए किसी एक नंबर से और इनफाइनाइट तक जा रहे हैं तो इस सीरीज का सम कितना होता है, ये होता है a अपॉन में 1 माइनस r, कॉमन रेशियो। तो a आपने बोला क्या है 1 है और r कितना है cos x, तो 1 अपॉन 1 माइनस cos x के बराबर हो गया। 4 प्लस 2 रूट 3 है, इसका कॉन्जुगेट कितना होगा, तो आपने किसका कॉन्जुगेट होगा 4 माइनस 2 रूट 3 और डिवाइड किससे करते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 ते 12, 16 और 12 में डिफरेंस है 4 का, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे। तो आपने कहा 4 से इसको यहां पर डिवाइड कर दोगे तो ये कितना लिख सकते हैं आप, इसको आप इसको लिख सकते हो अपॉन में 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस रूट 3 बाई 2। तो आपने कहा यहां पर 1 माइनस कॉस एक्स है, यहां पर 1 माइनस रूट 3 बाई 2 है, तो कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई रूट 3 बाई 2। आपसे क्या पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू बतानी है, तो कॉस 30 होता है रूट 3 बाई 2, तो 44 का कितना आ जाएगा, बी पार्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना था, आसानी से आंसर आ जाता। यहां पर देखो 1 को मैंने आपको बताया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे ये लिखोगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के फॉर्म में तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और यहां पर ए प्लस बी लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मेट, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 के बराबर, तो 180 होता है तो आप इक्वल इक्वल सभी को 90-90 भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी। तो आपने कहा सभी को 90-90 ले लेते हैं, क्वेश्चन आसान हो जाएगा, इसमें ऐसा कुछ तो दिया नहीं गया है कि एकदम फिक्स कुछ वैल्यूज है, अपनी तरफ से आप क्या करोगे 90-90 मान लो। तो cos 90 कितना होता है जीरो, cos 270 भी कितना होता है जीरो, देखो cos की वैल्यू यहां पर ये 90 पे क्या होती है जीरो, यहां पर 180 पे माइनस, फिर से 270 पे जीरो, ठीक है, और 360 पे फिर से प्लस वन। ठीक है, तो दो जगहों पे जीरो कहां कहां पर होती है 90 और 270 पे, ठीक है 90 और 270 पे, तो आपने कहा ये जीरो हो गया, फिर से cos 270 जीरो और साइन में 180, साइन में 180 कितना होता है 90 पे प्लस वन और 180 पर जीरो, तो ये भी जीरो आ जाएगा। तो आपने बोला सारे के सारे जीरो हो जाएंगे, जोड़ घटा करके जीरो ही आएगा, तो आपने बोला ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉस ए का मान दिया गया पी के बराबर, साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए का मान है क्यू के बराबर, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो यहां पर एक फॉर्मूला आप लोग डिराइव कर सकते हो, कौन सा
साइन ए प्लस कॉस ए का मान अगर पी है तो मैं अगर इसका क्यूब कर दूं तो देखो क्या आएगा, आपने क्यूब किया तो राइट हैंड साइड पे क्यूब हो जाएगा, यहां पर आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो आपने कहा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। प्लस में कितना आएगा, आपने कहा प्लस में आएगा थ्री ए बी, तो साइन ए कॉस ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी आएगा, और यहां पर ए प्लस बी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा ए थ्री साइन स्क्वायर ए ए प्लस बी, इस तरह से आ जाएगा। और ए प्लस बी को मैं डायरेक्टली फिर से पी लिख देता हूं, क्यों वापस से पूरा का पूरा टर्म लिखना, ठीक है। अब यहां साइन ए कॉस ए का मान बस मुझे नहीं पता है, साइन ए कॉस ए का मान निकाल सकते हैं, एक बार इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो साइन ए कॉस ए का जब स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू साइन ए कॉस ए आएगा, टू साइन ए कॉस ए का मान कितना होगा पी स्क्वायर के बराबर, तो यहां से इसकी वैल्यू ये वन हो जाएगा, तो ये वन इस साइड रखोगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस वन, और दो से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा साइन ए कॉस ए का मान, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है साइन ए कॉस ए की, ये आप यहां पर पुट कर सकते हो, साइन ए कॉस ए पी स्क्वायर माइनस वन बाई टू, तो ये हो जाएगा थ्री बाई टू और पी स्क्वायर माइनस वन, और एक यहां पर पी भी है, ये वैल्यू पी क्यूब के बराबर है, और ये मान पूछ रहा है तो ये यहां पर क्यू हो गया, ठीक है। अच्छा ये पूछ नहीं रहा है, इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन बना लोगे, दो से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा टू क्यू, ये हो जाएगा थ्री पी, पी से मल्टीप्लाई करोगे पी क्यूब माइनस थ्री पी हो जाएगा बराबर में टू पी क्यूब, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो टू पी क्यूब इस साइड आएगा तो ये थ्री कट जाएगा, पी क्यूब बचेगा, तो पी क्यूब प्लस टू क्यूब माइनस थ्री पी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको करने का और कुछ शॉर्टकट क्या हो सकता, बिल्कुल कुछ एक 90 रख लो, कुछ एक जीरो रख लो, तो देख लो दो वैल्यूज दो तरीके से बना लेना, एक बार साइन 90 रख लोगे तो कॉस जीरो हो जाएगा तो पी की वैल्यू वन आ जाएगी, ठीक है, और एक बार 45 रख करके चेक कर लेना, किसी एक पे दो दो बार सेटिस्फाई हो जाएगा, बाकी ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी है तो फॉर्मूले की तरह भी याद कर सकते हो, बाकी फॉर्मूले की तरह नहीं याद करना है, इसको आप सॉल्व कर लेना या वैल्यूज से सेटिस्फाई कर सकते हो, वैल्यूज चेक कर लेना, वैल्यू पुटिंग से भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। 48 क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, 48 क्वेश्चन, यहां पर आपको sec स्क्वायर थीटा है माइनस tan थीटा, ठीक है, तो sec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा, लेकिन यहां पर दो टर्म्स से आप किसमें तीन टर्म्स में चले जाओगे, तो वो नहीं करना है, आप क्या करो cos स्क्वायर थीटा के फॉर्म में और इसको sin थीटा cos थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा नीचे भी आएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा ऊपर में भी आएगा, तो आपने कहा कि ऊपर में देखें अगर सॉल्व करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे में इसी तरह से क्या बनेगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कहा दो से मल्टीप्लाई कर लेते, जैसे दो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा 2 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो आपने बोला कि ये इस तरह से बन जाएगा, तो अब क्या कर सकते हैं, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस साइन 2 थीटा, 2 माइनस साइन 2 थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा 2 प्लस साइन 2 थीटा। अब यहां से आप इसकी रेंज निकालना आसान है, क्योंकि अब आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम प्लस 1 मिनिमम माइनस 1, तो इसी के बीच में रहेगा माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में, तो अब आप वैल्यू पुट करके ही आंसर निकाल लोगे। तो देखो आपको यहां पर थोड़ा सा ऑप्शन जो है वो शिफ्ट हो गया है, ये ऑप्शन बोल रहा है x डज नॉट बिलोंग टू 1/3 या 3, तो आप देख लो इसके बीच में किसी एक वैल्यू पर ये जाएगा कि नहीं, तो आपने कहा साइन थीटा की वैल्यू कितनी जीरो रख ले, जीरो पर देखो कितना होगा जीरो हो जाएगा, तो यहां पर भी जीरो हो जाएगा, तो 2/2 1 आ रहा है, तो आपने कहा ये तो सेटिस्फाई कर रहा है 1 आ रहा है, जबकि ये बोल रहा है कि इसके बीच में नहीं लाई करता है, आपने कहा बी ऑप्शन कैसा हो गया गलत हो गया। अच्छा दूसरी चीज देखो, साइन टू थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है माइनस वन, अगर आप माइनस वन यहां पुट करोगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा थ्री, और टू माइनस वन तो वन, तो आपने कहा इसकी वैल्यू तीन जो है ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई, अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू पुट करता हूं तो यहां पर प्लस वन हो गया, तो टू माइनस वन वन, टू प्लस वन वन, तो ये 1/3 हो गया, तो ये इसकी क्या हो गई मिनिमम वैल्यू हो गई। तो आपने बोला कि ये दोनों ही जगहों तक पहुंच रहा है, इसकी जो वैल्यू है वो 1/3 भी आ रही है और 3/1 भी आ रही है, तो आपने कहा कि 3 और 1/3 दोनों पे रहेगा और इसके बीच में ही रहेगा,
क्योंकि इसकी वैल्यू इसी के बीच में रहती है। अगर मैं जीरो रखता हूं तो देखो ये वन हो रहा है, तो यहां पर वन बाई वन आ रहा है, ठीक है, टू बाई टू हो जाएगा तो वन आंसर आ जाएगा। तो आपने कहा कि इसकी वैल्यू यही रहने वाली है वन बाई थ्री और थ्री, कभी भी इसकी वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती। उसका रीजन क्या है, देखो नीचे में दो है और वो भी प्लस के साथ, ऊपर में दो के साथ माइनस है, तो इस ये अगर ज्यादा से ज्यादा भी कितना ले सकता है, वन वैल्यू ले सकता है। तो दो में से एक घटाओगे तो एक बच जाएगा, वो भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो आपने बोला कि ये ओवरऑल इसका सम पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव नहीं जाएगा, तो निगेटिव नहीं जाएगा, इस वजह से सी ऑप्शन गलत हो गया। और इक्वल रहेगा, इक्वालिटी का साइन आएगा, क्योंकि यहां पर साइन में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि थीटा जो है वो लेस देन या जीरो से 90 के बीच में, ऐसा नहीं है। यहां पर थीटा के लिए कोई लिमिट नहीं है, तो आपने बोला कि जीरो या वन ये भी पुट होगा, यानी कि थ्री और वन बाई थ्री भी आएगा, तो इक्वालिटी का साइन होना चाहिए। तो लास्ट पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद के लास्ट के दोनों क्वेश्चन बहुत आसान है, एकदम इजिली आपने कर लिया होगा। 49 का कितना आएगा, देखो इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है, आप हमेशा एक चीज याद रखो, वन अपॉन में वन प्लस, ये मैंने आपको अलजेब्रा के टाइम पे भी बताया था, फिर से यहां पर बता रहा हूं, इसको ध्यान रखना। अगर ए बी की वैल्यू वन है, यानी कि अगर यहां पर ए है तो यहां पर उसका इनवर्स रेसिप्रोकल लिखा होगा, तो दोनों इस केस में हमेशा इसकी वैल्यू कितनी आती है, हमेशा इसकी वैल्यू वन आती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ए बी की वैल्यू अगर वन है तो आप ए की वैल्यू और बी की वैल्यू निकालने की नीड नहीं है, डायरेक्टली याद रखना कि अगर यहां पर ए और बी कैसे हैं, इनका मल्टीप्लीकेशन वन है, यानी कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो वन प्लस ए की पावर एन और वन प्लस बी की पावर एन, डायरेक्टली इसका आंसर कितना आ जाएगा, वन के बराबर आएगा। तो इसको देखते ही इसको भी वन मारना था, और लास्ट क्वेश्चन को भी टैन और कॉट है, इसको भी देख करके ही आपको क्या वन की वैल्यू पुट करना है, इसको भी, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, वन के बराबर, ठीक है।